astral reading for last one year. She is an educated girl और उसमें मतलब quite compliant और well informed about the condition. अब इसमें जो जब when she came to me या इसमें अगर scenario में हम इसको करें कि ये तो उसके symptoms हो गए. On examination, the fibroid is there is lower abdominal mass of 20 week size. And on investigations, her hemoglobin is 7.5. And on ultrasonography, बाकी सारी चीजें जो हैं वो तो हम routine के मुताबिक उसको वो सब चीजें ठीक हैं. And on ultrasonography, there is a 15 centimeter size fibroid, a single fibroid. In the anterior and the upper region of the uterine body. अब ये जो patient ये present की है इस सारे scenario के साथ जिसमें आपको मैंने symptom बता दिया, उसका size बता दिया, उसकी hemoglobin बता दी और उसका fiber उसका जो ultrasound पे size है वो. अब इसमें हम अगर related information की बात करें तो related information में again वही symptoms और उसको इसको हम थोड़ा सा bypass कर लेते हैं क्योंकि जो इसमें जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसमें सारी चीजें आपने उसमें पूछनी है और उसके सिम्टम्स भी पूछने हैं कब से है फिर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए आपने जो सवाल पूछने होते हैं एनीमिया के साइन सिम्टम्स पूछने हैं वो सब चीजें या फिर उसके साथ जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं पेन के वो भी आप पूछोगे जो इसमें सिनेरियो में नहीं बताए हुए और एग्जामिनेशन पे आपने सारे साइन सिम्टम साइंस ऑफ एनीमिया देखने और जनरल सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी आप करोगे एंड ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो ये है एज शी इज अनमैरिड आपने उसमें वो नहीं करना बट वी विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशंस ऑनवर्ड इन्वेस्टिगेशन में हिमोग्लोबिन आपको बता दी हुई है अल्ट्रासाउंड आपको बता दिया होगा वॉट एल्स इसको थोड़ा सा हमने शॉर्टकट इसलिए कर दिया कि हम इसको जरा सब चीजों को कवर कर लें हाँ जी मैडम हम अल्ट्रासाउंड पे आल्सो वांट पे जो इसका एंटीरियर फाइब्रॉइड है ये सबसे रोजल है या इंट्रामुरल है या फिर ये कहाँ पे है ओके सो यू विल स्टार्ट विद द अल्ट्रासाउंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है कि अल्ट्रासाउंड पे आपने डिफरेंट फीचर्स इसकी पूछनी के इसमें एक तो मैंने बता दिया कि एंटीरियर एंड अपर पार्ट ऑफ द यूटराइन बॉडी अब इसमें आपका ये क्वेश्चन कि ये साइज मतलब इसकी लोकेशन क्या है दिस इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड ठीक है इसमें वो अलहदा से मैस फील नहीं होता दिस इज इट इज यूनिफॉर्मली एनलार्ज्ड मतलब कॉन्टूर्स उसके ठीक है स्मूथ है एंड नो इरेगुलर बट इट इज फॉर्म इनकन्सिस्टेंसी एंड इट्स मोबाइल स्लाइटली मोबाइल फ्रॉम साइड टू साइड 20 वीक्स इतना मोबिलिटी तो आप नहीं कर सकते लेकिन इट्स मोबाइल कोई फिक्स नहीं है स्किन ओवर दैट इज स्मूथ टेंडरनेस भी नहीं है ठीक है अब इसमें आप इसको और क्या जानना चाहोगे इट्स इंट्राम्यूरल एंटीरियर एंड अपर पार्ट ऑफ द यूट्राइन बॉडी मैम एज इट इज 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यस इट्स 15 सेंटीमीटर मैम हमें इसमें लाइक जो ट्यूमर मार्कर है वो नहीं चेक करनी चाहिए जी मैडम सबसे पहले तो हम जनरल इन्वेस्टिगेशन से नहीं स्टार्ट करेंगे आप पेज भी बता रही हैं 7.8 है तो हम आयरन इंडेक्स देखेंगे और फिर अगर हमें पेट के लिए प्रिपेयर करना है तो अपनी बाकी है ठीक है उसमें सारा आप एनीमिया का वर्कअप सारे का सारा करना ठीक है इसमें एनीमिया का आप वर्कअप करोगे चाहे आपको वजह पता भी है कि ये ब्लीडिंग की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसकी वजह से बट स्टिल यू विल गो फॉर इट व्हाट एल्स मैम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एसआईटीज भी देखेंगे जी एसआईटीज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे एसआईटीज व्हाई हमें इस तरह हमारे पास एक यंग पेशेंट थी उसका हम सस्पेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा ह्यूज मास था यानी आपके ख्याल में कोई सार्कोमा वगैरह तो नहीं है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हो जी मैम जी हाउ कॉमन इज सार्कोमा इन यंग एज लेस देन 1% और दूसरी चीज ये कि विद द 20 वीक साइज ऑफ फाइब्रॉइड कैन यू रियली असेस फॉर द एसआईटीज अगर वो माइल्ड एसआईटीज भी है तो क्या उसमें आप असेस कर सकते हो दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच यू कैन गेट ऑन अल्ट्रासाउंड जी मैडम हम इसका एमआरआई करा सकते अच्छा नहीं अभी तो हम अल्ट्रासाउंड पे ही हमने वो कंप्लीट नहीं किया था
कि अल्ट्रासाउंड पे एक तो आपने लोकेशन देख ली, आपने साइज देख लिया, आपने उसका जो है वो कहाँ पे वो सारा देख लिया, और इसमें आपने क्या देखा? सिंगल फाइब्रॉइड है, सिंगल फाइब्रॉइड है। एंडोमेट्रियल थिकनेस हम डॉपलर कराएंगे, एंडोमेट्रियल थिकनेस देखेंगे। एंडोमेट्रियल थिकनेस आपको इस पे पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाएगी, आई मीन ट्रांस एब्डोमिनल जो है। पर एंडोमेट्रियल थिकनेस यू नीड टू हैव अ ट्रांस वजाइनल स्कैन, बट लेकिन एक रफ एस्टिमेशन आपको पता चल सकता है। मैडम एंडोमेट्रियल थिकनेस की अगेन जो आपकी जो वैलिडिटी या उसकी है वो अकॉर्डिंग टू द एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को कब हुए थे, या आप उसके हिसाब से ही फिर इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, और एडेनिक्सा देख लेंगे मैडम। मैडम इसके साथ अल्ट्रासाउंड जी, अल्ट्रासाउंड केयूबी भी कर लेंगे कि कोई प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से। आई डोंट नो, केयूबी आप पे करोगे क्योंकि मोर देन 18 वीक साइज ऑफ द फाइब्रॉइड इट प्रेसेस ऑन टू द पेल्विस साइड ऑन द साइड वॉल्स and can press upon the ureters, खास तौर पे अगर उसकी limited mobility हो तो उसमें आप एक KUB भी करवाओगे just to know the hydrouria pressure, उसके जो symptoms है वो pressure effects देखने के लिए, hydroureter है या hydronephrosis है, वो सारी चीजें आपने वो KUB भी करवाना है। and what else? Doctor flow of the doctor HB कितना है, hemoglobin level 7.8 okay और इसके अलावा आप डॉपलर फ्लो ऑफ द फाइब्रॉइड भी आप करवाओगे। तो डॉपलर फ्लो में आपको उसकी वेस्कुलरिटी, ये सारा कुछ बहुत वेस्कुलर वो होते हैं ये फाइब्रॉइड्स, तो उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। चलो अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो एमआरआई जिन्होंने कहा था, एमआरआई में आपका क्या, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है एमआरआई करने का? इफ इट इज क्लियरली अ फाइब्रॉइड और उसमें अल्ट्रासाउंड पे आपको फाइब्रॉइड ही पता चल रहा है, तो फिर उसमें एमआरआई से आप एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लोगे एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू मैनेज? हां यस मैम, इट विल हेल्प मी माय मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंफर्म माय फाइंडिंग्स ऑन एमआरआई एंड देन द मैनेजमेंट विच विल चेंज माइंड दैट आई विल आल्सो। मेरा सवाल ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे सब चीजें क्लिनिकली अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड हमें पता चल गया, तो उसमें हम क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या ऐसी मिलेगी जो हमें उसकी मैनेजमेंट में हेल्प करे? उसके प्लान्स हमें मिलेंगे कि रिसेप्टेबल है या नहीं, जब हम सर्जरी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके कोई एक्सटेंशन है या नहीं है। कभी कभी हमारे पास आपकी आवाज बहुत मुझे कम आ रही है, मुझे बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज। इसलिए कराते हैं शॉर्टली बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली जो एक क्लियर कट केस होता है, अब जहां तक जो एमआरआई का हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस में फर्क ना पता चल रहा हो, वो एक क्लियर कट इंडिकेशन होती है। लेकिन ये एक क्लियरली फाइब्रॉइड है, और दूसरी बात ये कि फाइब्रॉइड कैन को एग्जिस्ट विद एडिनोमायोसिस इन ऑलमोस्ट 30% ऑफ द केसेस, लेकिन उसमें हमने अब ये एक क्लियर जो फाइब्रॉइड है हमने मेनली मैनेज उसको करना है। बाद दफा ऐसा भी होता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है एडिनोमायोसिस की, बट इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ दिस। इसमें जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड पे बाद दफा लोकलाइज जो एडिनोमायोसिस है वो फाइब्रॉइड की सूरत में नजर आएगा, लेकिन उसमें अमूमन के इतने बड़े साइज तक अमूमन नहीं होता, अनलेस कि उसमें पूरे ग्रॉस जो है वो उसमें यूट्रस अफेक्टेड हो, उसमें बाद दफा ये 18 वीक्स तक चला जाता है। अदरवाइज एडिनोमायोसिस के साथ यूट्रस साइज मैक्सिमम भी एनलार्ज हो तो 16 वीक्स तक होता है। तो एनीवे इन दिस केस देयर इज नो डायरेक्ट नीड फॉर डूइंग एमआरआई। अब देखो एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल होना डजंट मीन अगर पेशेंट की अपनी पॉकेट से कुछ नहीं जाता तो भी उसकी अवेलेबिलिटी का होना ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट का बगैर जरूरत के भी करते जाए। ओनली इफ वी हैव टू गेट सम अदर इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प अस इन इट्स मैनेजमेंट, तो इसलिए इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें जो उसका जो बेसिकली जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो भी हमें नजर आ जाता होता है। सूडो कैप्सूल भी हमें बार दफा वेस्कुलर रिंग के साथ भी पता चल जाता होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। बट समटाइम्स इन पोस्ट मेनोपॉजल विमेन वेयर देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन जो एक नेक्रोटिक या नेक्रोसिस के साथ जो फाइब्रॉइड होता है उसको सार्कोमा के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ फीचर्स होती हैं जो अल्ट्रासाउंड पे होती हैं, एंड देन वी हैव टू कंफर्म इट ऑन एमआरआई, दैट इज एन अदर इंडिकेशन। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है,
इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसमें एमआरआई नहीं करवाएंगे बल्कि इसको फाइब्रॉइड हमने लेबल कर दिया। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट, ठीक है, अब हम इसको जरा ब्रीफली मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। जस्टिफिकेशन बता दें डॉपलर की, जस्टिफिकेशन डॉपलर अल्ट्रासाउंड। देखो डॉपलर बेसिकली कुछ जो अब पेशेंट से हमने हिस्ट्री भी ली होगी कि ये जो मैस फील होता है ये कितने अरसे में ग्रो किया, पहले भी इतना ही था या अब ज्यादा हुआ और कितने टाइम पीरियड में ज्यादा हुआ, जो रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज होते हैं उनमें उसका, क्योंकि ब्लड फ्लो डिफर्स फ्रॉम फाइब्रॉइड टू फाइब्रॉइड, वो उसकी ग्रोथ को डिटरमिन करता है। तो इसी वजह से वैस्कुलैरिटी किसी फाइब्रॉइड की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो दैट विल डिटरमिन आवर वे ऑफ मैनेजिंग दैट पेशेंट। क्योंकि हमने जो उसका एक यंग पेशेंट है उसमें हमें पता है कि इसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी की जरूरत होगी, इतना बड़ा फाइब्रॉइड अब मेडिसिन के साथ तो मैनेज नहीं कर सकते एज शी इज अनमैरिड, और उसमें इसकी वजह से चूंकि सिम्टोमेटिक है हमने कुछ ना कुछ जरूर करना है। लेकिन ये कि उसकी वैस्कुलैरिटी अगर एस्टेब्लिश हो जाती है टू बी अ हाई वैस्कुलर मैस, तो उसमें हमारी थोड़ी सी मोड ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी टू डिक्रीज द इंट्रोपरेटिव ब्लड लॉस। इसमें सिर्फ इस हद तक ऑब्जेक्टिव है, ज्यादातर केसेस में तो आपको ये डॉक्टर दिया भी नहीं होता, तो इस वजह से आपने फिर भी जो पेशेंट की हिस्ट्री पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर रैपिडली ग्रो किया है तो प्रोबेबली इट्स अ वैस्कुलर फाइब्रॉइड, और इसके अलावा उसकी सॉफ्ट इन नेचर जो है वो भी वैस्कुलैरिटी ज्यादा को इंडिकेट कर रही है। जी अब ये सारी चीजें आपके पास आ गई, अब हम इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में करके कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अब इसमें हमारी मैनेजमेंट क्या होगी डॉक्टर, ये तो सिम्टोमेटिक है ना, अब सिम्टोमेटिक है एचबी 7.8 हो गया है, अब हम इसका एचबी बिल्ड करेंगे और उसके बाद जो है वो हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करेंगे। एचबी को बिल्ड अप करने वाली चीज हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो टाइम टू टाइम हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है ना, कि ऑब्वियस को हमने कहां तक करना होता है। लेकिन जब मायोमेक्टमी या जो भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस की, तो वहां पे एचबी को कम से कम 11 के करीब होना चाहिए बिफोर द सर्जरी, बिकॉज इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी मच ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सर्जरी। और उसके अलावा जो इंट्राऑपरेटिव जो ब्लड लॉस को कम करने वाली चीजें हैं वो क्या हैं, कुछ चीजें प्री ऑपरेटिव हम कर रहे होते हैं, कुछ चीजें हम इंट्राऑपरेटिव कर रहे होते हैं, तो ये भी सारी चीजें हैं जो हम इसमें करेंगे। तो बिल्ड अप एचबी एज सच, ठीक है, वो एक स्टेप हो गया। व्हाट एल्स मैडम, GnRH followed by myomectomy? जी मैम, GnRH followed by myomectomy? ठीक है, GnRH analogs या antagonist? Agonist या antagonist? मैम GnRH analogs। ठीक है, analogs क्या होते हैं, agonist होते हैं कि antagonist होते हैं? अगर चलो ठीक है अभी इसको देख लेते हैं हम, तो इसमें GnRH एनालॉग्स हमने दिए कितने, 3 months के लिए, 3 months के लिए दे के, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइब्रॉइड का साइज भी कम होगा, फाइब्रॉइड का साइज कम होने से क्या होगा और ब्लड लॉस भी कम होगा। ये चीज बार दफा जो हम एचएमबी में भी यूज करते हैं, तो एचएमबी में भी इसका ये एक, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ मैनेजिंग द एचएमबी, जिसमें और कोई वजह नहीं, कोई स्ट्रक्चरल रीजन नहीं होती, क्योंकि इट रिमार्केबली डिक्रीज द यूट्राइन ब्लड फ्लो, तो इस वजह से ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट होता है, एडिशनल बेनिफिट टू रिड्यूस द इंट्रोपरेटिव ब्लड लॉस, लेकिन एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द फाइब्रॉइड साइज एज वेल, उसका साइज, उसका वॉल्यूम। और उसका साइज वॉल्यूम कम करने से फायदा क्या होता है, वो ये कि इसमें अमूमन जो स्किन का इंसिजन हम कम देते हैं, सर्जिकल मॉर्बिडिटी इसमें कम हो जाती है, सर्जिकल एक्सटेंट कम हो जाती है, तो ये उसके दो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं। बट सपोज पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती GnRH, ये इंजेक्शन जो है क्वाइट एक्सपेंसिव, 13-14-15 हज़ार की इतनी कॉस्ट तो उसकी है पर इंजेक्शन। इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव, प्री ऑपरेटिव हम बात कर रहे हैं, इंटर ऑपरेटिव तो जरा लहदा चीजें है ना, वो तो हर एक में की जा सकती है।
मैम इसके लिए यूलिप्रेस्टल एसिटेट को भी यूज कर सकते हैं। नहीं अभी तो इंट्राऑपरेटिव है ना बेटा, वो इंट्राऑपरेटिव है। लेकिन लेकिन अगर फर्ज किया ये इसकी कॉस्ट की वजह से हम नहीं दे सकते तो फिर हम क्या करेंगे? मैम लेट्रोजोल वगैरह दे सकते हैं। लेट्रोजोल इज वन ऑफ द चॉइस। ठीक है, लेट्रोजोल जो है वो डेफिनेटली हम दे सकते हैं। ठीक है, मैम कितनी डोज में देते हैं ये? डोज किस तरह से देते हैं? मतलब डेली लेनी होती है टैबलेट पेशेंट? ये डेली लेनी होती है। ठीक है, डेली लेनी होती है और इसको हम फिर कंबाइन करते हैं विद प्रोजेस्टेरोन भी, और यही वो ट्रीटमेंट है जो कि हम उसमें दे रहे होते हैं एंडोमेट्रोसिस में भी। जी मैम, तो इस वजह से ये भी एक वन, क्योंकि इसमें जो बाकी डिफरेंट चीजें हैं वो बेसिकली डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको ट्राई किया हुआ है। मैम प्रोजेस्टेरोन किस वक्त ऐड करते हैं फिर इसके साथ? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन किस वक्त ऐड करते हैं, क्योंकि ये तो ईस्ट्रोजन को भी कम कर रही है ना? नहीं, लेकिन इसको देखो, जैसे हम एंडोमेट्रोसिस की बात करते हैं उसकी हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है, एंडोमेट्रोमा जो लेस देन 5 सेंटीमीटर है और इमीडिएट कोई फर्टिलिटी इश्यूज नहीं है एंड द पेशेंट वांट टू स्किप द सर्जरी या अनफिट फॉर सर्जरी, तो उसमें हम लेट्रोजोल के साथ कंबाइन करते हैं प्राइमेलोटेन राइट फ्रॉम द बिगनिंग वंस या ट्वाइस अ डे। वो डिपेंड करता है कि साइकिल सप्रेशन कितनी डोज के साथ होगी। मे बी शी इज ओके विद द वन टेबलेट वंस अ डे अलोंग विद वन टेबलेट ऑफ लेट्रोजोल, और मे बी कि हमें बार दफा इसको ट्वाइस अ डे भी देना पड़ता। तो फिर मैम इसमें विथड्रॉल तो नहीं कराएंगे ना? नहीं, विड्रॉल फिर इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें फिर हमें कॉन्टिन्यूसली ही देना पड़ता है। अब इसमें जो बाकी चीजें हैं ना जो हम इसमें दे सकते हैं वो बेसिकली कुछ अवेलेबल हैं और कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें जो अवेलेबल वाली चीजें हैं वो उसमें आप जो है वो दे सकते हैं, डानाजोल भी दे सकते हैं और बाकी जो ये हैं ओसीपीस हैं वो भी दे सकते हैं आप, इंजेक्टेबल वो दे सकते हैं, ये डिपो-प्रोवेरा, ये सारी चीजें हैं जो कि इसमें आर वन ऑफ द चॉइसेस टू रिड्यूस द ब्लड लॉस। ठीक है, तो इसमें मतलब उसी तरीके से जैसे हम एंडोमेट्रोसिस को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टडीज के इसमें डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी ट्रायल बेसिस पे डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट तरीके से ट्राई करते हैं, वही जैसे हम इंट्रा ऑपरेटिवली बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीजें जी मैडम इसका कलर क्या होता है जीएनआरएच का? ये मुझसे पूछा था एग्जाम में। कलर ऑफ जीएनआरएच ये मुझसे पूछा था एग्जाम में डॉक्टर तहरीन ने, इस्लामाबाद सेंटर। उसका कलर, कलर से वैसे क्या ताल्लुक है? यस मैम ये क्वेश्चन किया था, मुझसे भी किया था। कलर कैसा होता है ना ये वाटरी? नहीं देखो ये इसको हम लगाते कैसे लगाते हैं, सबकुटेनियस लगाते हैं ना, सबकुटेनियस हमेशा वो चीज लगाते हैं जो वाटर सोल्युबल होती है, जो जो फैट सोल्युबल होती है वो हमेशा डीप इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक है, तो जो वाटर सोल्युबल होती है वो दैट इज यूजुअली कलरलेस। मैंने देखा हुआ इंजेक्शन जोलेडेक्स का वो तो कलरलेस ही था। Exactly, जो Zoledex infection हमारी मैम यूज करती थी उसका तो कोई कलर नहीं होता था, माइल्ड सा। मैं वही कह रही हूँ ना कि जो मुझे पता है जो मैंने देखे हुए हैं Zoledex के इंजेक्शन और जो पेशेंट को लगवाए वो तो कलरलेस है। लेकिन अगर कोई और ऐसी GnRH की प्रेपरेशन है जिसमें कोई कलर चेंज हुआ हो तो वो फिर एक अलग से बात है, लेकिन अमूमन ये कलरलेस ही होता है। मेरे ख्याल मैम वो एग्जामिनर देखना चाह रहे होंगे कि हमने कभी GnRH देखा है। नहीं, वरना और कोई इसकी कोई वजह तो नहीं बनती, तो यही है कि जो के कभी देखा भी है या नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि देखा ही हो, लेकिन पता बहरहाल फिर भी होना चाहिए। जैसे बार दफा ये भी पूछा जाता था कि इंसुलिन में हम पहले कौन सी मिक्स करेंगे, मिक्स वो NPH करेंगे पहले डालेंगे या वो डालेंगे, कैसे कैलकुलेशन की जाती है उस, ये सारी चीजें, और उसमें उसका कलर क्या होता है NPH का और जो रेगुलर है उसका कलर क्या होता है। तो ये चीजें अमूमन ये एग्जामिनर इसलिए कि आप कितना को इन प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छा मैडम लिट्रोजोल कंटीन्यूअस देंगे? जी लिट्रोजोल कंटीन्यूअस देंगे, कंटीन्यूअस देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कि रिकमेंडेड तरीके क्या हैं। रिकमेंडेड तरीकों में सिर्फ दो तरीके हैं जो इसको कम कर सकते हैं साइज को, और वो और जो के बेसिकली अल्टरनेट ऑफ GnRH एनालॉग्स हैं। उसमें एक तो वो है जो FDA ने रिकमेंड कर दिया,
दूसरा तरीका वो है जो एफडीए ने रिकमेंड करके फिर विड्रॉ भी कर लिया और फिर उसको सर्टेन लिमिटेशन के साथ इन कर दिया. कैन एनीवन एंड वन टेल मी कि एफडीए रिकमेंडेड तरीका क्या है? ये ओरल जीएनआरएच, ओरल जीएनआरएच एनालॉग, ठीक है, जो ओरल जीएनआरएच एनालॉग्स हैं, दीज आर क्वाइट इन प्रैक्टिस नाउ. अब चूंकि ओरल जीएनआरएच एनालॉग्स हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दे रहे होते हैं, इसके साथ मेनोपॉजल इफेक्ट और ओवेरियन सप्रेशन और ये सब चीजें इनके होने के जो है वो बोन डेंसिटी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से उसको कंबाइन किया जाता है विद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. और उसकी जो कॉम्बिनेशन टेबलेट है उसमें बेसिकली वो यहाँ पे अभी अवेलेबल उस तरह से नहीं है. तो ये कैप्सूल और ये हैं, ये है जो कि ओरल एलेगोलिक्स, एलेगोलिक्स ELAGOILX, तो ये है जो इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है. तो इस वजह से चूंकि अगर हम खाली ये देंगे जस्ट लाइक GnRH एनालॉग इंजेक्शन, तो ये बोन मैस डेंसिटी को कम करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस करता है. यही इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म हम नहीं देते. तो 3 महीने से ज्यादा देना हो तो हमें इसकी बैकअप थेरेपी जरूर चाहिए होती है फॉर द बोन प्रोटेक्शन. तो ये ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स है ओरल GnRH एनालॉग्स के साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन मिक्स है. तो इसको हम देते हैं, इसको हम दे सकते हैं, बट सो फार इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. और दूसरी चीज है जो कि बाद दफा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में भी यूज करते हैं, वो क्या है? मैडम इसकी प्राइस भी बता, यूरिस्टेट एसीटेट, यूरिस्टेट एसीटेट. हाँ जी, अब इसकी जो प्रेपरेशन है फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड फॉर फाइब्रॉइड वो डिफरेंट है. प्रेपरेशन भी फर्क है और इसकी डोज भी फर्क है. तो इसलिए इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें बेसिकली इंटरमिटेंट थेरेपी चाहिए होती है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था जो डिफरेंट स्टडीज में नोट किया गया कि अगर आप इसको 3-4 courses देते हैं, जो कि हर कोर्स जो है वो 3 महीने का होता है और उसमें आपने कोई 4-6 हफ्ते का गैप डालना होता है, तो हर कोर्स जो है जितना ज्यादा आप कोर्सेज देते हैं उसमें फिर लिवर पैथोलॉजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगरचे जो प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी, कोई अगर लिवर प्रॉब्लम चल रहा हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन बाद दफा इसमें लो रिस्क पेशेंट्स में भी ये इफेक्ट देखा गया. तो इसको बिल्कुल मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया था ड्यू टू इट्स लिवर टॉक्सिसिटी इफेक्ट और लिवर फेलियर, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाने पड़ गए. लेकिन उसके बाद फिर इसका जो है इसको अलोंग विद द लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग, इसको सर्टन पेशेंट्स के लिए, नॉट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, जस्ट फॉर सिलेक्टेड पेशेंट्स इसकी इजाजत दे दी गई और इसको शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए अलाउ कर दिया गया. तो सिर्फ ये दो ड्रग्स हैं विच हैज अ डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रिडक्शन ऑफ द फाइब्रॉइड साइज एज वेल एज ऑफ द रिडक्शन इन द ब्लड लॉस. लेकिन इसमें हर एक की अपनी एक लिमिटेशन है. हेलो हेलो, तो इसलिए जो है इसमें आपको अल्टरनेट ऑप्शंस जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सटेंडेड टॉक्स हैं उसमें लेटेस्ट चीजें पूछी जाती हैं और वो आपको कम से कम पता होना चाहिए. तो ये हैं जो कि उसका अल्टरनेट है. अब जो हम जो करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो यूज करते हैं वो क्या है? एलावन, और वो तकरीबन 40 मिलीग्राम की वो है टेबलेट है जो कि हम देते हैं इसमें. तो लेकिन ये जो हम देते हैं फॉर लिवर जो फाइब्रॉइड साइज को कम करने के लिए देते हैं वो 5-10 milligrams डे देते हैं, ठीक है? 5-10 milligrams. मैम लास्ट ड्रग का नाम दोबारा बता दें प्लीज. इसका जो आपने लास्ट मैडम क्या चीज देते हैं 5-10 milligrams? उलिप्रेसिल एसीटेट. देखो हाँ, उसका एलावन के नाम से आती है जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है. ये तकरीबन 40 मिलीग्राम की टेबलेट है जो हम देते हैं इसको एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. मैम 30 मिलीग्राम नहीं है या 30 मिलीग्राम? हाँ, मेरा ख्याल है 30 या 40 कुछ इस तरह की है. तो उसको हम देते हैं एज अ सिंगल डोज,
लेकिन जो हम देते हैं फाइब्रॉइड की साइज की रिडक्शन के लिए वो 5-10 मिलीग्राम होती है, ठीक है। उसका नाम उसका जो है वो एस्माया के नाम से आती है। उसके 2-3 और भी वो है, एक मिनट जरा। हेलो हेलो वैश्राम बेटा, मुझे घंटे बाद फोन कीजिए, ठीक है। मैं अभी जरूर बिजी हूँ। मैम ये एस्माया डेली देनी पड़ती है? हाँ जी, ये डेली देनी पड़ती है और ये मैक्सिमम 5-10 मिलीग्राम अ डे होती है, ठीक है। और ये अवेलेबल ही नहीं है तो इसकी मैं प्राइस कहाँ से बताऊं? इसकी ये अवेलेबल नहीं है, ये जो हम फाइब्रॉइड की रिडक्शन के लिए वो करते हैं। लेकिन प्राइस आप देख सकते हो, गूगल से देख सकते हो, इसकी प्राइस तो अवेलेबल होती है। अगर बाहर भी अवेलेबल है तो उसकी भी आपको प्राइस तो उन्होंने लिखी होती है, ठीक है। मैडम तो अलग अलग आपने बताइए, वो GnRH एंटेगनिस्ट नहीं है? ये GnRH एनालॉग्स होती है, ओरल एनालॉग्स, ठीक है। ये ओरल एनालॉग है, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे चलें, क्योंकि अब हमारा यही एक केस लंबा हो जाएगा तो बाकी सब चीजें रह जाएंगी फिर, ठीक है। मैडम ये जो ओरल GnRH एनालॉग हम लोग देंगे पेशेंट को जो डेली खाएगी, तो उसका क्या डोज होगा? देखो 5-10 मिलीग्राम अ डे फॉर 3 मंथ्स, और उसके साथ साथ लिवर फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग चलती है। मैडम GnRH एनालॉग की बात कर रही हूँ। GnRH एनालॉग जो है ये, इसको भी हमने डेली ही देना होता है, और ये तकरीबन इसकी डिफरेंट डोजेज होती हैं। एलेगोलिक्स वाली प्रेपरेशन जो है वो उसकी डिफरेंट है, और जो उसके अलावा और भी उसके हैं प्रोडक्ट्स हैं जो इसी ओरल उसमें आ जाते हैं GnRH एनालॉग्स में, जैसे रेडियोगोलिक्स है, उसकी डोज फर्क होती है। तो इसमें रेडियोगोलिक्स जो है वो 40 मिलीग्राम के तौर पे आती है। एलेगोलिक्स जो है ये आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 मिलीग्राम की डोज में आती है। इसको आप देख सकते हो, ठीक है, वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें इसको बाकी चीजें कैसे चल रही है क्लिनिक और को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिस्कस, ठीक है। राधर द प्राइसिंग ये तो आप खुद भी देख सकते हो। मैडम एक बात पूछनी है, डॉक्टर सेस्टल एसिटेट जो है ना, जब इंटरमिटेंट हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे होते हैं 3 मंथ्स के बाद, फिर हम कितना टाइम का गैप लेके दोबारा 4-6 वीक्स का टाइम पीरियड देते हैं, 4-6 वीक्स का टाइम पीरियड देते हैं इसको। इतना गैप के बाद फिर हम रीस्टार्ट करते हैं, और उसका मकसद भी यही होता है कि उसको हमने थोड़ा सा जो लिवर के ऊपर उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा सा हमने करना होता है। जैसे हम कीमोथेरेपी देते हैं वो इंटरमिटेंट देते हैं, हम कंटिन्यूअस नहीं दे रहे होते, क्योंकि जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको हमने थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना होता है, ठीक है। और मैडम लेट्रोजोर जो हम डेली देंगे कंटिन्यूअस रूटीन में, तो वो हम कितने अर्से के लिए दे रहे हैं? वो भी 3 मंथ्स के लिए ही देंगे? इसमें देखो डिफरेंट वेरिएबल इसमें टाइम पीरियड होता है, जैसे हम एंडोमेट्रोसिस में डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड के साइज को कम करने के लिए कम से कम 6 महीने हम जरूर देते हैं, और उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसमें बाज दफा जो हम एंडोमेट्रोसिस के लिए देते हैं उसमें तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म भी चल रही होती है, लेकिन जब भी आप कोई ड्रग देते हो चाहे वो हॉर्मोन्स हो कुछ भी हो, तो इसलिए जो है वो उसको हमने मॉनिटर करना होता है। उसके हमें पता होने चाहिए कि साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर उन साइड इफेक्ट्स की आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, और तभी आप ड्रग को इफेक्टिवली कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां पे कोई ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए वहीं पे आपने स्टॉप कर देना होता है, ठीक है। चलें अब मेरा ख्याल है इसको जरा हम आगे लेके चलें, ताकि कम हमारा तो एक भी केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें अब हमने इसको दे दिया 3 मंथ्स के लिए, दे दिया हमने GnRH एनालॉग्स इंजेक्शन दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने डेफिनेटली मायोमेक्टमी इसमें करनी है। अब इसके बाद अगला सवाल ये हो सकता है, बाज दफा ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हम GnRH एनालॉग्स देते हैं तो बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड के साइज में रिडक्शन नहीं होती। फाइब्रॉइड का साइज रिड्यूस तब होता है जब वो ज्यादा उसकी वेस्कुलरिटी होती है। जो बिल्कुल सॉलिड हार्ड मैसेज होते हैं कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ फाइब्रस टिश्यू, उनका साइज रिडक्शन अमूमन कम होती है। तो इसलिए अब वैसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स कम से कम 50% साइज उसका कम हो जाए, बट दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फाइब्रॉइड। तो इसलिए जो है वो उसको हमने अब करना है, उसके साथ सर्जरी हमने अब इसकी करनी है। सपोज आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ थेरेपी इसका साइज जो है वो 20 वीक से सपोज 16-18 वीक साइज का हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल प्रोसीड फॉर हर मायोमेक्टमी इन अ पेशेंट हु इज
unmarried, 26 years old. Hemoglobin has been optimized so far and there is no other lab pathology. कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस अब हमने प्रोसीड करना है सर्जरी के लिए. और जब हमने अल्ट्रासाउंड पे असेस किया तो वो जो साइज उसका था 15 सेंटीमीटर का, अब वो 12 सेंटीमीटर का हो गया. तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बट स्टिल इट हैज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट. अब आपने प्रोसीड करना है सर्जरी के लिए थ्रू व्हाट इंसीजन, थ्रू व्हाट इंसीजन, ठीक है. और and intraoperatively tonics and bonus clamp use karenge for the reduction of the blood supply. And vasopressin is an option, but I haven't seen in my practice ever using any consultant for vasopressin. Lekin vasopressin aap use kar sakte ho. Ab isme vasopressin ko bhi basically isko dilute karke dena hota hai. Isko aap saline mein dilute karte ho. और उसके बाद आप अपने इसको दो तरीके हैं देने के, कि आप या तो फाइब्रोइड के ऑल अराउंड, क्योंकि इसकी जो ज्यादा मेन फीडिंग वेसल्स होती हैं वो उसके स्यूडो कैप्सूल में ही होती हैं. स्यूडो कैप्सूल इज वेरी रिच इन वेस्कुलर, जो उसके हैं वेस्कुलरिटी में वेसल्स इसमें काफी ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से उसमें उसके अराउंड आप उसको इंजेक्ट कर सकते हो वो डायल्यूटेड वेसोप्रेसिन, एंड मेनी पीपल डू इट. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि उसको जो यूट्राइन आर्टरी है उससे तकरीबन 2 to 3 सेंटीमीटर मीडियल आप इंजेक्ट कर सकते हो, उससे वेजोस्पैजम होगा और उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा. बट द मोर कॉमन प्रैक्टिस इज टू इंजेक्ट एट द फाइब्रॉइड बेड या उसके फाइब्रॉइड के अराउंड, ऑल अराउंड. लेकिन ये लोग कम करते हैं, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन करते हैं. ये ऐसा नहीं है कि लोग इसको नहीं करते, बहुत सारे लोगों को मैं भी जानती हूँ जो ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. लेकिन जो ज्यादा कॉमन तरीका होता है वो है कॉमनली जो कि उसका टॉर्निक हम अप्लाई करते हैं. अब टॉर्निक अप्लाई करने के भी कुछ अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं. लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज जो हमने पिछले भी सेशन में डिस्कस की थी कि इसको हम रेक्टली सर्जरी से आप आधा घंटा पहले जो है वो इसको रेक्टली आप सपोज वो दे दें साइटोटेक दे दें, तो वो भी है अब हाँ मिजोप्रोस्टॉल वो दे दें. और ये 400 दो तीन गोलियां भी इसमें काफी होती हैं. अमूमन 400 तक डोज काफी समझी जाती है. इसके अलावा आप इंसिजन देने से 15 मिनट पहले आप उसको ट्रांसैमिक एसिड भी दे सकते हैं. दीज आर ऑल द रेमेडीज टू रिड्यूस इंट्रोपरेटिव ब्लड सप्लाई ब्लड लॉस. ये रेमेडीज क्या हम एग्जाम में बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिकमेंडेड रेमेडीज तो नहीं है. इंटरनेशनल रिकमेंडेड नहीं है, मैं यही बता रही हूँ ना कि ये वो हैं जो कि डिफरेंट लिटरेचर में मेंशन हुई हैं और जो डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं. अब हमारे यहाँ इस सेटअप में भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, साइटोटेक भी यूज करते हैं, वेसोप्रेसिन भी यूज करते हैं टोड़ने के, तो बहुत हमेशा से एक वो है चीज है. और बाकी जो GnRH आपने दिया या ना दिया, दोनों सूरतों में भी हो सकता है कि ब्लड सप्लाई उस वक्त उसका काफी हो उसका फाइब्रॉइड का, और बाज दफा ऐसा होता है. तो इसलिए जो है वो इसको मेंशन, मतलब ये दीज आर द ऑप्शंस, ये चाहे उसमें ये ऑप्शंस होती हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें जो है वो ये ऐसा नहीं होता कि एक चीज, अब ये डिफरेंट चीजें जो हैं वो डिफरेंट स्टडीज में ने प्रूव किया होता है. अगरचे वो उस तरह से उसके बारे में गाइडलाइन नहीं बन रही होती, गाइडलाइन नहीं बनी होती. तो जैसे हमने अभी बहुत सारी ऑप्शन फाइब्रॉइड के साइज को कम करने वाली डिस्कस की, जिसमें सिर्फ 2 या 3 रिकमेंडेड हैं तरीके, बाकी तो सब इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस हैं. तो इसमें ये बोला जा सकता है, इसमें अगर फर्ज किया आपसे सवाल किया जाए कि व्हाट आर द इंट्राऑपरेटिव मेजर्स टू रिड्यूस द ब्लड लॉस, तो उसमें ये सारी कह सकती हो कि द ऑप्शंस इंक्लूड दिस दिस दिस, ठीक है. और बाकी जो है, अब मिसोप्रोस्टॉल की तो एक बात है, इवन बाज दफा ऑक्सीटोसिन भी साथ ही यूज की जाती है, हालांकि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑक्सीटोसिन यूज की जाती है. अगर ये अब इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं. तो लेकिन ये है कि इसमें जो ये चीजें हैं टोड़ने के, हमेशा से एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही है और टाइम टेस्टेड चीज है, यानी ये आप कर सकते हैं. लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं. वो ये कि आपने इसको सर्विक्स के ऊपर अप्लाई करना है, जिससे बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्रेस द यूट्राइन आर्टरी एंड द फीडिंग वेसल्स टू द फाइब्रॉइड. अब बाज दफा इसमें ऐसा होता है कि आप टोर्निके लगाते हो, अब टोर्निके को एक टाइम कितनी देर के लिए आप लगा सकते हो?
मैक्सिमम 40 मिनट्स ठीक है। उसके बाद आपने उसको खोल देना होता है, या फिर जब आपने मायोमेक्टमी कर ली और आप उसकी हिमोस्टेसिस पे आए हो तो आपने खोल देना होता है। तो उसमें कम से कम आप थोड़ा सा टाइम पीरियड सेव कर लेते हैं कि जिसमें ब्लड लॉस ना हो। और जब आप उसकी स्टिचिंग पे आते हैं तो आपने, क्योंकि स्टिचिंग पूरी कंप्लीट करके आप खोलोगे, एक तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि एवरीथिंग इज ओके व्हाइल द पेशेंट कैन ब्लीड व्हेन द टॉर्निके इज ऑफ। तो इसलिए आप उसको जो है, क्योंकि आपने इसको मल्टी लेयर में स्टिचिंग करनी होती है फाइब्रॉइड बेड को। अब दूसरी, इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। अब जहां पे मायोमेक्टमी की बात होती है उसमें एक तो इंट्राऑपरेटिव लॉस तो एक वो चीज है, बट वेयर टू गिव इंसिजन फॉर द फाइब्रॉइड रिमूवल एंड हाउ टू क्लोज द फाइब्रॉइड बेड, ये सारी चीजें हैं। और उसमें हाउ टू प्रिवेंट द ऑनवर्ड एडहेशन फॉर्मेशन, यानी जिस पेशेंट में आप, जिसमें फर्टिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है लाइक दिस पेशेंट, तो वहां पे आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप वो वाली चीजें, टेक्निक्स यूज करें जिससे एडहेशन फॉर्मेशन कम हो, जिससे इंसिजन ऐसा हो कि जिसमें पोस्ट ऑपरेटिव एडहेशन कम बनती है, या बाकी जो आपकी सर्जिकल टेक्निक्स हैं उसमें जो है वो आप सर्जिकल टेक्निक ऐसी रखें कि जिसमें लेटर ऑन एडहेशन फॉर्मेशन कम बनती है। तो एक इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये कि रूट ऑफ सर्जरी भी इसमें होता है। जैसे ये पेशेंट अगर अनमैरिड है, ये फर्स्ट की आपसे ये पूछती है कि क्या मेरा लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता, तो फिर आप उसका क्या जवाब दोगे? मैम लेप्रोस्कोपिक में एडहेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर हमें फिशर फर्टिलिटी रिक्वायर्ड है तो हम लेप्रोस्कोपिक नहीं करते, क्योंकि फिर फर्दर रप्चर के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, उसमें लेप्रोटमी को प्रेफर किया जाता है। और ये बिग फाइब्रॉइड है ना? नहीं, बिग फाइब्रॉइड तो हां, इसमें ये है कि बेसिकली नंबर एंड द साइज ऑफ फाइब्रॉइड, दिस मैटर लेस देन 8 एंड लेस देन 4 फाइब्रॉइड्स फॉर लेप्रोस्कोपी। व्हाइल डिसाइडिंग फॉर द रूट ऑफ सर्जरी, तो वहां पे ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपने लेप्रोस्कोपी से, क्योंकि पेशेंट हमेशा आपसे ये ऑप्शन पूछता है, जो पढ़ा लिखा पेशेंट है वो आपसे जरूर ये डिस्कस करता है। तो वहां पे अगर नंबर मल्टीपल फाइब्रॉइड हैं तो भी नहीं, क्योंकि मल्टीपल, क्योंकि देखो लेप्रोस्कोपी इज अ गुड टेक्निक डेफिनेटली, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वहां पे जैसे जो एक, अब जैसे इस पेशेंट की हमने फर्टिलिटी का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इसमें, तो वहां पे एक तो फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, इंट्राम्यूरल है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड का मतलब ये है कि, और दूसरी बात ये कि इतने बड़े फाइब्रॉइड के लिए मॉर्सिलेशन भी आप करोगे, ये सब चीजें, तो मॉर्सिलेशन वैसे आप कैसे निकालोगे इतने बड़े फाइब्रॉइड को? तो उसमें जो है वो ये चीज है कि इसमें जब आप इसका जो फाइब्रॉइड निकालते हैं, जैसे आप लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी दोनों से ही आप समझ लो कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड निकालने के लिए सम टाइम्स यू हैव टू गो थ्रू द होल ऑफ द थिकनेस ऑफ द मायोमेट्रियम। दिस इज जस्ट लाइक डूइंग क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, जैसे हम उसमें पूरी मायोमेट्रियम को जाते हैं और उसके बाद एंडोमेट्रियम को कट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंडोमेट्रियम अगर प्रिजर्व भी है, या सपोज अगर 2/3 ऑफ द मायोमेट्रियम हैज बीन इनसाइज्ड, तो वो वाली जगह तो उसकी वीक हो जाती है। अब जो हम लेप्रोटमी से करते हैं उसमें फिर मल्टी लेयर क्लोजर हम करते हैं उस फाइब्रॉइड बेड का, यानी वो सारी की सारी मायोमेट्रियम जो हमने इनसाइज की टू इन्यूक्लिएट दैट फाइब्रॉइड, तो ये थोड़ी सी उसकी रीस्ट्रेंथनिंग कर देता है मायोमेट्रियम की। दो द स्कार विल बी फॉर्म्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू, दस वीकनिंग दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया ऑफ द मायोमेट्रियम। लेकिन ये चीज बार दफा पॉसिबल नहीं होती ऑन लेप्रोस्कोपी, एंड ऑन लेप्रोस्कोपी हम बहुत ज्यादा जो है वो कॉटराइजेशन भी कर रहे होते हैं टू स्टॉप द ब्लड वेसल्स। तो ये चीज हम किसी हद तक अगर लेप्रोटमी में भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम इसको लिगेचर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। जो बिग वेसल्स हैं, जितना बड़ा फाइब्रॉइड होगा उतनी बड़ी फीडिंग वेसल्स होंगी, तो उनको हम देर एंड देन लाइगेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज है जो उसकी स्ट्रेंथ को किसी हद तक रिस्टोर कर देती है, बट नॉट पॉसिबल विद द लेप्रोस्कोपी। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आप उसमें जब इंसिजन देते हो, और इंसिजन देना भी एक अलहदा से दूसरा सवाल है जिसको भी हम देखते हैं, लेकिन यह है कि फाइब्रॉइड बेड को आप मल्टी लेयर में क्लोज करें। मल्टी लेयर का मतलब ये कि कम से कम 2-3 इतनी लेयर्स तो आपकी बन जाती हैं,
और उसके बाद फिर आपने उसको जो है वो मतलब फाइब्रॉइड बेड पे या फीडिंग वेसल जो वो साथ के साथ आप लैगेट करते जाते हैं। तो ये है जो उसमें जो जिसको बेसिकली हेमोस्टेसिस फिर रिस्टोर आपने करनी होती है, ये सारी वो हैं जो एडहेशन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज में आ जाती हैं। अब जहां तक इंसिजन देने का ताल्लुक है उसमें मैनी पीपल गिव यूट्रस के इंसिजन की हम बात करें कि यूट्रस का इंसिजन जो है अगरचे ये डिटरमिन होता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, यानी एंटीरियर है पोस्टीरियर है, लेकिन कुछ प्रेफरेबल चॉइसिस होती हैं। आप अमूमन वो वाला इंसिजन देते हैं जिसमें से अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड है तो कुछ दो तीन उसमें से निकल आए, अगर सिंगल फाइब्रॉइड है तो प्रेफरेबली उसको उस जगह पे दें जो एंटीरियरली ज्यादा इसमें जिसका हम जिसको स्टिचिंग कर सके। और ये बार दफा ओवरलैपिंग टेक्निक से किया जाता है जितना उसका, क्योंकि बहुत ज्यादा रिडंडेंट पोर्शन नहीं उसका निकाला जाता, तो जिसको हम बोनीस फ्लैप वाली टेक्निक भी कहते हैं। और उसका पर्पस भी यही होता है कि जब आप एंटीरियरली उसको स्टिच करोगे तो उसमें पोस्टीरियर एडहेशंस बनने के चांसेस हैं, जहां पे फिर ट्यूब्स भी है, ओवरीज भी है, सारा कुछ है, क्योंकि ट्यूब्स का हमेशा डायरेक्शन पीछे पाउच ऑफ डगलस की तरफ होती है, एंटीरियरली नहीं होती। तो अगर पोस्टीरियर इंसिजन होगा तो वो सारे ट्यूबल ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। सो प्रेफरेबल थिंग इज टू गिव एन इंटीरियर इंसिजन। अब जो अगर फर्ज किया एक फाइब्रॉइड है वो पूरे का पूरा है ही पोस्टीरियर वॉल में एंड पोस्टीरियर लोड सेगमेंट के करीब करीब, तो वो तो आप इंटीरियर इंसिजन नहीं निकाल सकते, जिसमें कि आपको फिर इसका मतलब है इंटीरियर आप दें माई कैविटी में से जाएं और फिर निकालें, वो दैट इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल थिंग कि आप पूरी यूट्रस को ही काट के पीछे जाएं। इसलिए हमें उसके सबसे डोमिनेंट पार्ट पे देना होता है इंसिजन। अलबत्ता जब हम उसको स्टिच करते हैं तो फिर उसको चाहे हमने मिड लाइन भी दिया हम उसको थोड़ा सा ओवरलैप उसके मार्जिन को कर देते हैं जिसमें एडहेशन कम बनने के चांसेस होंगे। तो दूसरी चीज ये है कि इसको हम, ये तो था कि हमने उसके साइज के मुताबिक उसको डिपेंड करना, लेकिन बाज दफा ये भी बाज दफा सवाल किया जाता था जब ये लॉन्ग केसेस में भी कि हम इसको मिडलाइन देंगे या ट्रांसवर्स देंगे। यानी फर्ज किया एक फाइब्रॉइड है जो अपर एंटीरियर वॉल में, जैसे मैंने इसका बताया, तो इसमें हम एंटीरियर तो चलो देंगे ही इंसिजन, बट दैट शुड बी इन द मिड लाइन और इट शुड बी ट्रांसवर्स। डॉक्टर इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द यूट्रस ना, अगर लेस देन 16 वीक्स है तो यूजुअली हम लो ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये इस पेशेंट में जिसमें अपर एंटीरियर यूट्राइन बॉडी पे उसका है, यानी तकरीबन फंडस के करीब करीब है लेकिन है अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस में, मैडम वर्टिकल देते हैं इसलिए उसमें मतलब मेरा ये है, सवाल शायद मैंने सही नहीं किया कि इसको वर्टिकल देंगे या हॉरिजॉन्टल देंगे। मैडम वर्टिकल देते हैं मैडम, वर्टिकल देंगे मैडम, वर्टिकल सही है मैडम। तो हमारी मैडम कहती है कि बोनस क्लैंप किस लिए, वो इसीलिए तो है कि आप लोअर ट्रांसवर्स एंड सीएन दें, तो वो अप टू 20th वीक तक को लोअर ट्रांसवर्स एंड सीएन दे के क्लैंप लगा के आउट कर लेती थी। वो कहती थी वर्टिकल इंसिजन की तो अपनी मॉर्बिडिटी है, सो इट शुड बी द लीस्ट ऑप्शन। मैं उसी के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ आ रही हूँ। देखो जो बोनस फ्लैप है ना वो होता ही ट्रांसवर्स है, वो वर्टिकल नहीं होता, ये तो पता है ना सबको। अब जो ट्रांसवर्स इंसिजन देने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दिस इज बेसिकली अलोंग द, अब इसमें ट्रांसवर्स इंसिजन में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ब्लड लॉस ज्यादा होगा, और वर्टिकल इंसिजन देने का के पीछे ये ऑब्जेक्टिव होता है कि शायद मिड लाइन में वेसल जो हैं वो कम होती हैं, वो यूनाइट हो रही होती हैं साइडों से आके, जो स्पाइरल आर्टेरियोल जो आर्कुएट आर्टरीज हैं, तो वो मिड लाइन ए वेस्कुलर चीज है। लेकिन बेसिकली जब फाइब्रॉइड होता है तो उसका जो वेस्कुलर पैटर्न है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है, देन दोज वेसल्स रन मोर इन दैट जो है वो उसमें मिड लाइन या ट्रांसवर्स वाली डिफ्रेंसिएशन नहीं रहती। तो एक तो आपने उसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है उसके हिसाब से देखा। डॉक्टर इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, हेलो ट्रांसवर्स बता रहे हैं। तो इसमें जो है वो आप बेसिकली उसमें बहरहाल अभी मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ कि एक तो हमने उसके साइज उसकी प्रोट्यूबरेंस के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि अब हमने कहाँ पे इंसिजन देना है, कैसे लॉन्गिट्यूडनल या वो, बट बोथ आर एक्सेप्टेबल। और वो बोथ एक्सेप्टेबल इस तरह से है कि जब हम इसको करते हैं मतलब जब ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं तो दीज आर बेसिकली अलोंग द आर्कुएट लाइंस ऑफ द स्पाइरल आर्टरीज या
जो स्पाइरल पहले यूट्राइन आर्टरी है, स्पाइरल आर्टरी रोल्स हैं, और उसके बाद फिर आर्कुएट आर्टरीज है, तो इस वो ट्रांसवर्स में रन करती हैं, दो दीज आर बेसिकली सेंटर में आके मिड लाइन में आके उनका एंड हो जाता है, दोनों साइड्स की आर्कुएट आर्टरीज जब वो मिड लाइन में आके वहां पे इनका एक जंक्शन होता है, ठीक है, तो मिड लाइन भी ठीक है, ट्रांसवर्स भी ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मिड लाइन 100% एंड ट्रांसवर्स नहीं, वो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द शेप ऑफ द फाइब्रॉइड, बट ट्रांसवर्स इज इक्वली एक्सेप्टेबल। अगर फर्ज किया फाइब्रॉइड ऐसा है कि जो ऐसी लोकेशन पे है कि आप ट्रांसवर्स दोगे, और ट्रांसवर्स में हीलिंग ज्यादा बेहतर होती है, जस्ट रिमेम्बर इट, ट्रांसवर्स की हीलिंग ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर फाइब्रॉइड आपका ऐसा है कि उसमें ट्रांसवर्स में आप दोगे, जब आप इन्यूक्लिएट करते हो बड़ा फाइब्रॉइड, तो वो साइडों पे फिलोपियन ट्यूब्स और साइड पे जो यूटराइन वेसल्स है उसमें जाने के चांसेस होते हैं, तो वो एक रिस्क है उसका, वो एक रिस्क है, उस सूरत में आप मिड लाइन में जाते हो, तो ये हम नहीं, अलबत्ता जनरली स्पीकिंग अगर हम कहें तो वर्टिकल इंसिजन इज प्रैक्टिस्ड मोर एज कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स इंसिजन, लेकिन बोनीज फ्लैप, डोंट फॉरगेट दैट बोनीज फ्लैप इज ऑलवेज ट्रांसवर्स, लेकिन बोनीज फ्लैप में होता यह है कि हम ओवरलैप टेक्निक के जरिए कर रहे होते हैं, यानी एक फाइब्रॉइड बेड के ऊपर हम एक फ्लैप ला के उसको फिर इंटीरियरली स्टिच कर देते हैं, तो वो जो रॉ एरिया होता है फाइब्रॉइड बेड का, वो बेसिकली पूरे का पूरा कवर हो जाता है, तो वो उसमें उसमें उसकी एडहेशन बनने के चांसेस फिर और भी मिनिमाइज हो जाते हैं। दूसरी चीजें जो बाकी एडहेशन प्रिवेंशन वाली चीजें हैं, वो डेफिनेटली हीमोस्टेसिस तो है ही है, और उसके अलावा जो सुचर मटेरियल आपने यूज करना है वो बहुत ज्यादा आपने थिक उस तरह से वो जो सुचर्स हैं वो आप ना यूज करें, कैटगट का जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो ज्यादा ज्यादा होता है, उसमें एडहेशन फॉर्मेशन ज्यादा होती है, और दूसरी चीज ये कि इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक चीज है, और उसके अलावा जब आप स्टिच लाइन, जो आपकी स्टिच लाइन है, आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई मैट्रिक्स या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हीमोस्टेटिक एजेंट के तौर पे यूज होती हैं, लाइक सर्जी जेल है या इस तरह की बहुत सारी चीजें, बार दफा जेल्स होती हैं, वो जेल एक कोटिंग उसके ऊपर कर देती हैं, और उसके बाद फिर जो एडहेशन फॉर्मेशन है उसके चांसेस कम होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि एडहेशन प्रिवेंशन और ब्लड लॉस की प्रिवेंशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं, एटलीस्ट इन अमायोमेक्टमी, जहां पे पेशेंट की अभी शी हैज टू स्टार्ट विद हर फर्टिलिटी, तो इसलिए जो है वो इसको हम इसमें ये चीजें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। अब अगर फर्स्ट मैम तो टू टू थ्री हमारे फाइब्रॉइड के बेड जो है वो आपने बताया कि हमने मल्टी लेयर क्लोयर करना है, मल्टी लेयर क्लोयर में हमारी टू टू थ्री लेयर्स हैं बिकॉज इट वाज अ डीप फाइब्रॉइड, तो हम तमाम लेयर्स को फिगर ऑफ एट में ही क्लोज करेंगे, जरूरी नहीं है, वो देखो फिगर ऑफ एट हम वहां पे करते हैं जहां पे वेसल्स होती हैं, फिगर ऑफ एट हमेशा एक हीमोस्टेटिक सुचर होता है, ठीक है, एक होता है अप्रोक्सीमेशन सुचर जहां पे आपने डेड स्पेस नहीं छोड़ना होता, वहां पे फिगर ऑफ एट को करने की जरूरत नहीं है, बट वेयर यू फील द नीड टू अप्लाई फिगर ऑफ एट सुचर बिकॉज दैट इज अ ब्लीडिंग एरिया या कोई वेसल है, तो वहां पे फिर आप फिगर ऑफ एट लगा देते हो, क्योंकि वो फिर एक हीमोस्टेटिक सुचर है, वो अप्रोक्सीमेशन सुचर ना होगा, फिर अप्रोक्सीमेशन में तो आपने उसके उसके सारे जो वॉल्स हैं उनको अप्रोक्सीमेट करना है। हमने तीन चार इंसिजन के अकॉर्डिंगली छोड़े होते थे फिर उनको हम टाई करते थे, तो मैडम मतलब जो टाई उसका क्या मतलब, टाई आप किसको किसके साथ करते हैं मैडम, जैसे स्टे सूचर्स आपने मैट्रेस सूचर लिए दो तीन जो आप शुरू में टाई नहीं करते, फिर आप वो सारी लेयर को अप्रोक्सीमेट करते हो, एंड वाली लेयर को बेस बॉल सूचरिंग करते हो जिसमें वो बिल्कुल एजेस उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैम एक पॉइंट कर सकते हैं आप, देखो बाकी जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स हैं दीज आर डिफरेंट, ठीक है, उसमें बहुत सारी जो है वो टेक्निक्स होती हैं, मकसद ये है कि एडिक्वेट अप्रोक्सीमेशन एंड एडिक्वेट हीमोस्टेसिस, बेसिक प्रिंसिपल ये है, बाकी उसमें कैसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं कैसे हीमोस्टेसिस करते हैं ये जो है ये डिफर कर सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होता,
तो आपको जब बात करनी होती है आप बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रही होती हैं, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो सडन टू सडन चीजें फर्क होती हैं। ठीक है, अब मैंने जो आपने पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड बताया उसका मैंने तो शॉर्ट्स में ये पढ़ा है कि अगर एक पेशेंट की फ्यूचर फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट है तो एक तो वैसे ही फाइब्रॉइड की मायमेक्टमी के बाद 40% चांसेस होते हैं, पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड में ये चांसेस फर्दर रिड्यूस होकर 30% रह जाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि इसको ट्रांस कैविटरी अप्रोच से रिमूव किया जाए क्योंकि एंटीरियर, मैं बिल्कुल भी इसकी फेवर में नहीं हूँ। और इसमें देखो एक कॉमन चीज है जो आप देख सकते हो कि आप एंटीरियर वॉल पूरी की पूरी काटो, फिर आप एक कैविटी को काटो, कैविटी को अप्रोच करो और उसके बाद ऐसा हो। मेरा ख्याल है कि मैंने जो अब तक कभी पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड की और उसमें हिमोस्टेसिस या उसकी एडहेशन प्रिवेंशन के लिए चीजें की, नन ऑफ देम हैज कम टू मी विद इनफर्टिलिटी सो फार। पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड होते हैं बाज दफा, अक्सर होते हैं, और इवन जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स में तो आपको बाज दफा मल्टीपल जगहों पे इवन फंडस पे भी करने पड़ते हैं, पोस्टीरियर वॉल पे भी करने पड़ते हैं और इंटीरियर वॉल के भी निकालने पड़ते हैं जहां पे यूट्रस में जगह जगह जो है वो इंसिजन ही दिए होते हैं। तो बेसिक चीज वही है कि आप उसके जो बेसिक सर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं ऐसे केसेस में उनको आप कितना को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो चाहे बुक में लिखा हुआ भी हो, देखो अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लेवल पे भी आप इसको मेकआउट कर सकते हो। अगर आपने एडिशन प्रिवेंशन की सारी स्ट्रेटेजीज कर ली और आपने जो है वो उसकी हिमोस्टेसिस भी सही सिक्योर कर ली, अब इसमें एक चीज ये भी होती है कि व्हेन यू आर कंप्लीटेड विद द सर्जरी लीव ऑलमोस्ट 100 cc ऑफ सेलाइन इन द कैविटी पाउच ऑफ डगलस में, क्योंकि देखो जो यहाँ जो फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन इनटू द सर्जिकल साइट है और जो एक सुपरफिशियल जो फाइब्रस लेयर है वो बन जाती है पहले 24 घंटों में ही, तो जब वहां पे हम अगर ज़ाहिर सेलाइन ने अब्सॉर्ब हो जाना होता है, सेलाइन ऐसी नहीं है कि वह वहीं पर पड़ी रहे, तो वो जो हम सेलाइन छोड़ देते हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज टू प्रिवेंट द एडहेशन फॉर्मेशन। तो वो जो पहले 24 घंटे है उसमें अगर उस एरिया को मॉइस्ट रखें या उस एरिया को हमने सारा वो करना है, और इसमें सर्जिकल ट्रॉमा कम से कम, ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि खाम खा दाएं बाएं आप टिश्यू को उसका ट्रॉमा ना करें, मिनिमम टिश्यू ट्रॉमा, मिनिमम टिश्यू डायसेक्शन सिर्फ उतनी ही करें जितनी रिक्वायर्ड है, उतनी ही करें जितनी आपको सर्जरी के लिए जरूरत है, दाएं बाएं सारे प्लेन्स खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और बाद दफा वाकई उसके बगैर जो है वो उसको करो तो वो और ज्यादा मल्टीपल हिमेटोमास और ये वो सब चीजें बन रही होती हैं। तो जब आप बेसिक प्रिंसिपल पे जाते हैं तो ये चीजें कम से कम हो जाती हैं। मैं एनीवे आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गोइंग थ्रू द कैविटी फॉर पोस्टीरियर वॉल। उन्होंने लिखी हुई है वो बता दें, उन्होंने कहा है कि पोस्टीरियर वॉल को इसलिए भी हम बेटरली नहीं चाहते, पोस्टीरियर वॉल का जाहिर है प्रेफरेबल नहीं है वो, इसलिए कि पीछे ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, सारा कुछ है मैडम, उन्होंने ट्यूब्स है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आप स्कार टेंडरनेस एलिक नहीं कर सकते अगर पोस्टीरियर सरफेस के पर स्कार है, इसको जरा प्लीज देखो, अगर हमने अपर यूट्राइन वॉल में दिया है और उसमें इतनी डेप्थ ऑफ मायमेट्रियम है, हमने इंसाइज कर दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड शी इज फॉर सिजेरियन सेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ये उसी तरह है ना जैसे हमने क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन कर दिया मैडम, इसमें तो इलेक्टिव 37 वीक्स पे इसमें इलेक्टिव सेक्शन करना है, इसमें आपने स्कार टेंडरनेस क्यों देखनी है? ठीक है वो एक चीज है कि उसमें शायद साइलेंट रप्चर ना हो जाए, बट हाउ मेनी चांसेस आर ऑफ साइलेंट रप्चर। इवन जो आप थ्रू एंड थ्रू कैविटी खोलते हैं उसमें भी 2% चांसेस होते हैं विदाउट लेबर रप्चर के, और जब पेशेंट लेबर में जाता है तो उसके 8% चांसेस हो जाते हैं ऑफ अपर यूट्राइन सेगमेंट स्कार। तो सिर्फ इस चीज से बचने के लिए आप उसकी पोस्टीरियर वॉल और उसकी पूरी इंटीरियर वॉल को भी काट दो और फिर उसके बाद पोस्टीरियर वॉल को भी काट दो, और फिर इतना बड़ा फाइब्रॉइड आपके एंडोमेट्रियल कैविटी में से निकालोगे, उसको कहीं ना कहीं से तो निकालना है। फर्ज किया अगर वो 10 cm का फाइब्रॉइड है और यूट्रस जो है वो यूट्राइन कैविटी तो इतनी बड़ी नहीं है, तो उसको कैसे निकालोगे फिर आप? तो बहुत सारे इश्यूज हैं बेसिकली, जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं इन चीजों को, दे नो द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या हो सकती है। हम एजम्पशन पे काम नहीं करते कि ये जो है इसमें जो एक्चुअल प्रैक्टिकल रियलिटीज होती हैं उसके हिसाब से हमने चीजें देखनी होती हैं। मैम एक चीज और नहीं पे एक्सप्लेन कर दें, जो पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है
तो एचएमबी के अलावा अगर पेशेंट को जस्ट इनफर्टिलिटी है तो पहले हम अपना वर्कअप कंप्लीट नहीं करेंगे कि पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड तो मेनली इनफर्टिलिटी उसी वक्त करेगा अगर वो ट्यूब को या कैविटी को डिस्टर्ब करे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड की, हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड की, अभी हम एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड पे तो आए ही नहीं है। मैम मैंने कहा यहीं पे कवर कर देंगे, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो कितना साइज हो गया प्रेगनेंसी, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें जैसे जैसे फाइब्रॉइड बढ़ता है, ये पेशेंट फर्स्ट केस को कोई वो नहीं है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, उसने एक मैस नोट किया और फिर वो आ गई हमारे पास के ये जो है, फिर उसने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस पे पता चला फाइब्रॉइड है बट शी डजंट हैव एनी सिम्टम्स, तो उस सूरत में आप बेसिकली आपने उसकी जो मैरिज जो है वो उसकी प्लानिंग वो सारा सारी चीजें पूछनी, क्योंकि सो फार इट इज एसिम्प्टोमैटिक। एसिम्प्टोमैटिक अनमैरिड में कोशिश करो कि ये डिले हो जाए टिल शी इज मैरिड, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको चांस देते हो फॉर कंसेप्शन। अभी तो आप सारा वर्कअप इनफर्टिलिटी का नहीं कर सकते, शी इज अनमैरिड, शी इज अनमैरिड, आप उसके बाद आप उसको वर्कअप उसका करें, और उसके बाद जाहिर है जो बड़ा फाइब्रॉइड है दैट डज अफेक्ट सब म्यूकोजल ने तो डेफिनेटली अफेक्ट करना ही करना है, और ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है वो आप निकाल लेते हो क्योंकि उसका एक डेफिनेटली इम्पैक्ट है ऑन द सब फर्टिलिटी। लेकिन जो मायोमेट्रियल फाइब्रॉइड है खास तौर पे अगर वो फिगो के टाइप के हिसाब से अगर वो 5 and above हो तो उसकी बहुत कम कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी, तो उसको यू कैन लीव इट एज सच और पेशेंट डू बिकम प्रेग्नेंट विद दिस लार्ज फाइब्रॉइड, बट इफ इट इज टोटली 3 to 5 वाली कैटेगरी में आता है तो वो टोटली इंट्राम्यूरल है, मोर देन 5 centimeter इंट्राम्यूरल विल अफेक्ट इनफर्टिलिटी बट लेस देन 5 centimeter इंट्राम्यूरल प्लस माइनस, तो वो फिर आप उसको कंसेप्शन के हिसाब से उसको ये सारी चीजें बता दो, देन वॉट एवर शी ऑप्ट फॉर बिकॉज सो फार शी इज एसिम्प्टोमैटिक। तो जो एसिम्प्टोमैटिक जो जिसमें जो है फर्टिलिटी वाला इशू है उसको कम अज कम चांस दो टू बिकम प्रेगनेंट, मे बी के उसका कोई मसला हो ही ना, तो क्योंकि इसमें बड़ा वेरिएबल कंट्रीब्यूशन होती है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड की टुवर्ड्स सब फर्टिलिटी, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, लेकिन हम 100% उसमें हाइपोथेसिस ही है ना कि ये होगा ये होगा ये होगा, बट प्रोबेबली इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, तो लेट हर कंसीव स्पॉन्टेनियसली। अगर कोई बैड ऑब्स्टेट्रिक आउटकम है, रिकरेंट एबॉर्शन वाली चीज है, तो फिर देन यू कैन गो अहेड। मैडम मैडम इस तरह का एक पेशेंट मैंने देखा था, मैम उसका पोस्टीरियर वॉल पे फाइब्रॉइड था और मैम अल्ट्रासाउंड पे लिखा था कि इट इज लाइक कोलैप्सिंग कैविटी है इसकी और ये जो फाइब्रॉइड है इट इज लाइक ऑक्यूपाइंग द होल कैविटी। मैम वो इनफर्टिलिटी के साथ आई थी 6 years की और उसके जो है एचएसजी भी नॉर्मल था, उसके जो सीमेन एनालिसिस था वो भी नॉर्मल था, तो मैम फिर क्या इसका फाइब्रॉइड नहीं निकालना चाहिए। नहीं देखो जो कैविटी को एनक्रोच कर रहे हैं ना, एक चीज याद रखो, हर वो फाइब्रॉइड जाहिर है अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है वो अगर फिगो टाइप 3 का भी है तो अल्टीमेटली जब वो ग्रो करेगा तो वो कैविटी की तरफ भी ग्रो कर सकता है, आउटसाइड आउटर सरोजा की तरफ भी ग्रो कर सकता है जब व्हेन इट विल अटेन अ सर्टेन साइज, तो उसमें अगर वो कैविटी को एनक्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट हर प्रेगनेंसी, तो उस सूरत में फिर उसका निकालना जस्टिफाइड है। मैडम शी वॉज एडमिटेड फॉर लेप्रोस्कोपी, तो मैंने जब एसआर से बात की लाइक यू हैव टू लाइक वी शुड रिमूव द फाइब्रॉइड बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग द होल पोस्टीरियर वॉल एंड लाइक इट इज मतलब मैम अल्ट्रासाउंड पे लिखा था दैट इट इज कोलैप्सिंग द यूट्राइन कैविटी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यूट्राइन कैविटी तो वैसे भी क्लोज होती है, इट इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड, सो अगर इसका कोलैप्स हो रहा है तो कोई मसला नहीं, कोलैप्स वाला लफ्ज सही है भी नहीं है, डिस्टॉर्शन वाली बात होनी चाहिए, एक कैविटी होती है रेगुलर पिरामिड शेप्ड होती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है कि वो यूट्राइन कैविटी अमूमन खुली हुई नहीं होती, उस वो कोलैप्स ही होती है, लेकिन उसकी जो बेटर टर्मिनोलॉजी है मे बी उन्होंने टर्मिनोलॉजी सही यूज ना की हो कि ये डिस्टॉर्ट कर रही है कैविटी को, यानी उसके अंदर उसका बल्ज फील हो रहा है, और ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ एंडोमेट्रियल कैविटी है दिस इज ऑलवेज असेस्ड ऑन ट्रांसवेजाइनल स्कैन, या एंडोमेट्रियल हम थिकनेस भी जो देखते हैं दैट इज बेटर असेस्ड ऑन ट्रांसवेजाइनल स्कैन, तो कैविटी की डिस्टॉर्शन जो है शुड बी असेस्ड बाय टीबीएस और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं, लेकिन उसके जब कैविटी को डिस्टॉर्ट करेगा तो मे बी कोई मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज वाला भी इशू हो उसमें, तो क्योंकि जब वो कैविटी को डिस्टॉर्ट करता है तो बहुत सारे जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन फेलियर है वो उसकी वजह से हो रहे होते हैं, जो बाकी जो कंप्रेशन इफेक्ट्स हैं वो हो रहे होते हैं, उसका
जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सब एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड. अब ये जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड था वो अगर सब एंडोमेट्रियल में कन्वर्ट हो गया एट सम स्टेज तो उसकी फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सब फर्टिलिटी विल बी मच इंक्रीज्ड. तो इसलिए उस सूरत में जो है वो फिर उसको निकालना जरूरी हो जाएगा. ठीक है मैडम, बट दैट शुड बी बेटर एवेलुएटेड बाय ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड. लेकिन हाँ जी मैडम, अगर एक पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ है और उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की भी कंप्लेन है और ही सब फर्टाइल फॉर थ्री एंड हाफ इयर्स और सारी जो उसका वर्कअप हो गया उसमें हर चीज सही आ रही है लेकिन उसके अल्ट्रासाउंड स्कैन में जो है वो मल्टीपल इंट्राम्यूरल एंड सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हैं, तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? देखो इसमें जो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा आप रिकॉल करो अपने जहन में फीकोटाइपिंग को, तो 0, 1 and 2 आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फाइब्रॉइड की मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सब फर्टिलिटी ड्यू टू इट्स ओन मैकेनिज्म. अब इवन जो ARTB भी हमने देनी होती है जिसमें इवन ओवुलेशन इंडक्शन, इसमें IUI, इसमें IVF, ये सब चीजें, उसके लिए ये 0, 1, 2 वाले निकालने पड़ते हैं. ठीक है, 3 and 5 यू कैन वेट फॉर, एंड उसके बाद फिर जो बल्कि 5 to 8 जो हैं, 8 वाला तो फिर उसमें दूसरे उसमें आ जाता है ना, 5 to 7 वाले जो हैं उनको आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो. तो इस तरह से करके आपने इसको डिसाइड करना है कि 0, 1, 2 वाला. इसलिए फाइब्रॉइड मैपिंग हमेशा करवाई जाती है जहां पे मल्टीपल फाइब्रॉइड आ जाएं और जहां पे पेशेंट का सब फर्टिलिटी का इशू हो, तो कि उसमें एग्जैक्ट फाइब्रॉइड मैपिंग जो है उसमें मैंडेटरी हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड अवर मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली कि कौन से फाइब्रॉइड, जब जाहिर है हम जब निकालेंगे तो उसमें ये वाले निकालने, और ये तीनों जो है 0, 1, 0, 1 तो खासतौर पर हिस्टेरोस्कोपिकली निकाले जा सकते हैं. 2 वाला जो है वो साइज के हिसाब से डिपेंड करता है क्योंकि वो थोड़ा सा फिर मायोमीट्रियम के अंदर चला जाता है, तो उसको अगर बड़े साइज का है तो उसको 2 स्टेप में भी हम कर सकते हैं वरना हम 1 स्टेप पे भी. तो 0, 1 डेफिनेटली बाय हिस्टेरोस्कोपी और 2 वाला जो है पॉसिबली बाय हिस्टेरोस्कोपी. तो इसलिए जो है वो उसके लिए फिर हमें उस तरह से लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी नहीं करनी पड़ती, उसमें यूट्राइन इंसिजन वाली चीज नहीं होती. तो उसमें जो है अलबत्ता अगर ये 0, 1 वाले जो हैं, अगर ये 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर से अगर कम है तो फिर उनको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर वो जो है वो 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़े हैं तो फिर उनको निकालना पड़ता है. ठीक है, और चाहे जाहिर है इसमें अगर हैं फाइब्रॉइड है मल्टीपल फाइब्रॉइड के साथ जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसमें जितने ज्यादा फाइब्रॉइड होंगे, यानी इसमें एज अ जनरल रूल जो ज्यादा फायदा होता है बहुत सारे फाइब्रॉइड को निकालने का वो होता है अमूमन अप टू 9, यानी 4 to 9 में. जो 3 है उनका सबसे अच्छा इफेक्ट होता है कि लेस देन 3 या सिंगल भी अगर फाइब्रॉइड है उसको निकालेंगे सब फर्टिलिटी वाला इशू ज्यादा बेहतर रिजॉल्व हो जाएगा. 4 to 9 तो उसमें भी एक अप्रिशिएबल इफेक्ट हो जाता है, बट मोर देन 10 फाइब्रॉइड जो है उसमें अमूमन हमें फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो जितने ज्यादा फाइब्रॉइड हम निकालते हैं हम उतना ही ज्यादा यूट्रस का जो है ना वो तिया पांचा कर रहे होते हैं. तो मल्टीपल जो है वो उसमें फाइब्रॉइड को निकालना और उसके बाद फिर अपना डिजायर्ड टारगेट अचीव करना एक बड़ा मुश्किल काम है. और जितने ज्यादा मल्टीपल फाइब्रॉइड होते हैं वो लेप्रोस्कोपी से उतने ही फिर टेक्निकली डिफिकल्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसमें उसका आउटकम भी उतना ही पुअर हो जाता है क्योंकि आप फिर बहुत सारी जगहों पे जब इंसिजन देते हैं कॉटरी से वो कर रहे होते हैं, स्टिचिंग उस तरह से मल्टी लेयर में नहीं लग रही होती, उसकी यूट्रस की स्ट्रेंथ उसकी जो है वो नहीं अचीव नहीं हो रही होती. सो यूट्रस एज अ होल कैन बिकम वीक, उसका जो मायोमेट्रियल स्ट्रक्चर है ना वो बहुत वीक हो जाता है. मैडम मैपिंग पेशेंट अगर अनमैरिड हो, मैम पेशेंट अगर अनमैरिड है 20 इयर्स ओल्ड है और HMP के साथ है लेकिन उसके फाइब्रॉइड का साइज 3 to 4 सेंटीमीटर है, इंट्राम्यूरल हो या सबम्यूकोसल हो, तो फिर उसको मेडिकली भी ट्रीट करो, उसको फिर मेडिकली भी ट्रीट करो. मेडिकल ऑप्शन है ना हमारे पास, और कुछ नहीं तो GnRH एनालॉग्स तो है ही है ना, डेनाजोल भी हम कर सकते हैं, लेट्रोजोल भी कर सकते हैं, ये तो वो है जो अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास, फिर उनको ये वो वाली ट्राई करो.
सर्जरी जो है वो डिफर कर दो टिल द टाइम शी इज मैरिड. कम कम देखो कम अज कम एच एम बी वाला जो इश्यू है वो तो आप मेडिसिन से कर सकते हो, और कुछ नहीं तो ओसीपीज ही दे दो. तो ओसीपीज भी आप दे सकते हो, ट्रांसएमिक एसिड जो एक फर्स्ट लाइन ऑप्शन है, सेकंड लाइन ऑप्शन है, वो तो हम ट्राई कर सकते हैं हर केस में. मैम जैसे आपने पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड करवाया, यहीं पे सर्वाइकल फाइब्रॉइड करवा दें. सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो है ये बेसिकली सर्वाइकल कैनाल से बाहर भी होता है और सर्वाइकल कैनाल का हिस्सा भी होता है. सम टाइम दिस इज टू दैट एक्सटेंट के पूरा एक जो है ना वाटरमेलन साइज का ये बन जाता है, पूरे का पूरा मतलब ह्यूज सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ की तरह से ये होता है. और इसके ऊपर अगर हम बड़ा टिपिकली देखें तो अल्ट्रासाउंड पे तो हमें पता चल ही जाता है, टिपिकली अगर हम देखें तो इसमें यूट्रस जो है वो छोटी सी नॉर्मल यूट्रस जो है दैट इज रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट फाइब्रॉइड, सर्वाइकल फाइब्रॉइड जो है. तो सर्वाइकल फाइब्रॉइड को निकालना इज अ वेरी ट्रिकी आर्ट. इसमें अब चूंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये सर्वाइकल ऑल अराउंड सर्वाइकल केनाल का हिस्सा है या एक अलहदा से सॉलिटरी मैस की सूरत में, बेहतर होता है कि अगर हम इसकी सर्वाइकल केनाल में एक कैथेटर पहले से डाल दें. लेकिन ज्यादातर जो टाइप होती हैं वो यही है कि एक आइसोलेटेड फाइब्रॉइड की ये सूरत में होता है एंड यूजली सर्वाइकल केनाल इज इंटैक्ट और वो प्रोटेक्टेड होती है, उसमें कुछ मसला नहीं होता. लेकिन ये इतना ह्यूज होता है कि आपको इसको आप एक उसको सिंगल उसमें निकाल ही नहीं सकते, और इसको जो है वो आपने निकाल के पूरे का पूरा निकाल के फिर आपने उसकी एनाटमी को रिस्टोर करना होता है, यानी उसके बेड को. अब इसको मैं प्रैक्टिकली जो है वो बेसिकली तो ये चीजें देखने से ही पता चलती हैं, या कोई वीडियो हो या आपको प्रैक्टिकली कहीं बोर्ड पे बंदा समझा रहा हो, लेकिन एक्चुअली जो मतलब जो मैंने भी बहरहाल किए हुए हैं मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता देती हूँ कि इसमें हम खोलते हैं इंटीरियर उस पे ही है अनलेस के ये एग्जैक्टली बिल्कुल पोस्टीरियर वॉल में हो, ठीक है ना. बार दफा और ये हमें इसकी लोकेशन को देखना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे आप फिर एग्जैक्ट लोकेशन को मैप आउट अगर फर्ज किया अल्ट्रासाउंड से पॉसिबल नहीं है तो वो फिर आप एमआरआई से करवा लेते हैं. क्योंकि जब आप इसको खोलते हैं तो आपको देखने से जैसे यूट्रस में हमें पता चल जाता है ये इंटीरियर वॉल है या पोस्टीरियर वॉल है, वहां पे हम डिसाइड कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे ये इतना पूरे का पूरा ये ग्लोबुलर मैस ऐसा होता है कि आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि सर्वाइकल कैनाल आगे है या पीछे है या दरमियान में कहीं है. तो वहां पे इसकी साइट को लोकेट करना बहुत जरूरी होता है. लेकिन यूजुअली कॉमनली फ्रीक्वेंटली दीज आर एंटीरियर सरफेस पे ये होते हैं. तो वहां पे आप उसको इंसिजन वही देते हो, मिड लाइन में ही इंसिजन आप देखे और एक ब्लैडर को वेल डिसेक्टेड डाउन, क्योंकि फिर मिड लाइन जब होता है तो उसमें फिर ये ब्लैडर में भी उसके चांसेस होते हैं, इसलिए ब्लैडर को आपने सेव करना होता है. और थोड़ा सा इसका अपर पार्ट के करीब यानी ये जो इंटरनल ऑस है उसके लेवल से नीचे नीचे ही होता है, तो थोड़ा सा आप उसके अपर मार्जिन की तरफ से जाके इंसिजन देते हैं. और यूजुअली जो मैंने निकाले हुए हैं वो तो पीस मील ही निकालने पड़े, इतने ह्यूज मैसेज थे. लेकिन लकीली जो 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 सारे सर्वाइकल फाइब्रॉइड वाले थे वो लकीली उनकी जो है सर्वाइकल कैनाल भी इंटैक्ट थी, और बाकी ये है कि उसका जो है वो बाद में पेशेंट प्रेग्नेंट भी हुए. सो दैट वाज बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन होती है सर्जन की भी कि ये जो इसलिए इसको निकालना एक ट्रिकी जरूर है, लेकिन इसमें वही बात है कि आपको लोकेशन का एग्जैक्ट पहले से पता हो, सारी चीजें आपको सर्जरी से पहले पता हो, आपको पता हो कि आपने इंसिजन कहाँ देना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब चीजें आप पेशेंट के साथ भी डिस्कस करते हो. क्योंकि यहाँ पे आपको सर्वाइकल कैनाल के डैमेज होने का रिस्क हो सकता है, इसीलिए आपने पहले से उसमें आपने एक इंडिकेटर भी डाल दिया होता है कि अगर कुछ ऐसा मसला हो तो आपको कम से कम पता चल जाए. मैम क्या इसमें हम हेमी डिसेक्शन ऑफ यूट्रस करते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आएगी. यूट्रस की डिसेक्शन नहीं करते, ये तो सर्वाइकल कैनाल में यूट्रस को हमने कुछ नहीं करना होता, यूट्रस इंटैक्ट ही रहती है, यूट्रस को कुछ नहीं करना होता. यूट्रस इज रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ दैट ग्लोबुलर मैस, बिल्कुल छोटी सी, वो बड़ी एक टिपिकल अपीयरेंस है. कभी आप अगर देखो ना बुक्स में भी अपने में देखो तो वहां पे पूरा एक ग्लोबुलर मैस है और उसके ऊपर छोटी सी यूट्रस विद अलोंग विद ट्यूब्स एंड ओवरीज वो उसकी टॉप पे रेस्ट कर रही होती है. तो ये यूट्रस को हमने कुछ नहीं करना होता, यूट्रस को हम छेड़ते भी नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं होती क्योंकि यूट्रस का तो मसला ही नहीं है. तो इसमें हमने एंटीरियर मिड लाइन पे इंसिजन दिया और उसके बाद फिर इसको हम निकालते हैं. मैम सिंपल मायोमेक्टमी एंड बोनी हुड इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल मायोमेक्टमी बोनी हुड तो एक इंसिजन की टाइप है ना, मायोमेक्टमी एक प्रोसीजर का नाम है.
ठीक मैडम बॉनीहुड यानी कि जब मैं पढ़ी थी शायद फिर मुझे सही समझ नहीं लगा, उन्होंने कहा कि अगर आप बॉनीहुड ऑपरेशन कर देंगे, देखो बॉनीहुड ऑपरेशन बेसिकली उस पर्टिकुलर इंसिजन का नाम है जिसको हम एंटीरियरली बटरेसिंग की सूरत में एंटीरियरली लाके स्टिच कर देते हैं। मायोमेक्टमी तो एक प्रोसीजर है ना, और बटरेसिंग ये जो बॉनी प्रोसीजर है ये मायोमेक्टमी की एक समझो कि एक उसका तरीकाकार है। मैम ये जो आप एंटीरियर मिडलाइन इंसिजन कह रही हैं तो वो सर्वाइकल फाइब्रॉइड के ऊपर मतलब हमने देना है? हाँ सर्वाइकल फाइब्रॉइड के ऊपर ही देंगे ना हम, सर्वाइकल फाइब्रॉइड के ऊपर ही देना है उसी को निकालना। और बाद दफा निकालते जाते हैं पता ही नहीं चलता वो सर्विक्स को अल्टीमेटली फिर बाद में जाके कहीं नजर आती है सर्वाइकल कैनाल जो पूरी लेंथनिंग जिसकी हुई होती है अच्छी खासी, और पूरे के बेड को आपने स्टिच करना होता है, पूरे के बेड को रिडंडेंट टिश्यू को निकाल के फिर उसकी सारी एनाटमी रिस्टोर आपने करनी होती है। अब जाहिर है पूरे उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो टिश्यू रीमॉडलिंग से भी बाद दफा ये ठीक हो जाती हैं, लेकिन यह है कि आपने उसको जो है वो थोड़ा सा उस तरह से डिसेक्शन करके, ओवर डिसेक्शन नहीं करनी होती क्योंकि कुछ चीजें आप इसको नेचुरल टिश्यू रीमॉडलिंग पे भी छोड़ देते हैं। ठीक है फाइब्रॉइड मैपिंग हम अल्ट्रासाउंड, फाइब्रॉइड मैपिंग इज ऑन अल्ट्रासाउंड एंड इफ नॉट पॉसिबल देन ऑन एमआरआई। मैडम अगर सर्वाइकल वाले में एब्डोमिनल इंसिजन किस टाइप का देंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है या वो फेंसिल है? देखो वो तो आप फेन एंड स्टील भी दे सकते हो क्योंकि फेन एंड स्टील के साथ फाइब्रॉइड जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड है वो मैनेजेबल होता है। मैम अगर प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड और लाइक एडवांस प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड के साथ इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाता है, जैसे इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे भी हैं कि उनका लास्ट पेन के वो क्योंकि बहुत और इस तरह का हो कि वो नॉर्मल भी डिलीवर ना हो सके और सिजेरियन पे एंड अप हो, तो उस वक्त फिर मैनेजमेंट प्लान आपका क्या होगा? वो सिजेरियन मायोमेक्टमी की तरफ हम बोल सकते हैं कि प्लान ऑफ मैनेजमेंट सिजेरियन मायोमेक्टमी कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं होती क्योंकि जाहिर है आपको पता ही है कि यूट्रस का ब्लड सप्लाई तो 10 गुना ज्यादा हुआ होता है प्रेगनेंसी में, तो सिजेरियन मायोमेक्टमी सिर्फ 2-3 केसेस में होती है। या तो ये कि जहां पे आपने इंसिजन दिया वहां से वो पाउट आउट होके निकल आया फाइब्रॉइड तो आपने उसको निकाल दिया, या फिर ये कि कोई ऐसा पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है जो आपको वो जो भी फाइब्रॉइड आपका था वो पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड था आपने उस पे बस क्लैंप लगाया और निकाल दिया। लेकिन अदरवाइज अगर आप सेक्शन किया आपने और आपने देखा कि जो अपर यूटेरिन सेगमेंट है उसमें एक बड़ा सा फाइब्रॉइड है इंट्राम्यूरल है आपकी इंसिजन लाइन उससे फर्क है आपने लोअर सेगमेंट में इंसिजन दिया तो उसको निकालने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि ये फाइब्रॉइड ने तो श्रिंक हो जाना इन पोस्टपार्टम पीरियड एंड मे बी इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट उस वक्त। तो जाहिर है कुछ फाइब्रॉइड बहुत तेजी से ग्रो करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट क्योंकि हार्मोन डिपेंडेंट है, लेकिन यह है कि इसको हम सर्जरी इसकी नहीं करते एज एन इलेक्टिव प्रोसीजर हम कभी भी नहीं करते, लेकिन अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग हो कि आपने इंसिजन ही उस जगह पे दिया वहां से एक फाइब्रॉइड जो है वो आधा निकल के बाहर आ गया और आपको स्टिचिंग करना या रीअप्रोक्सीमेट करना यूटेरिन इंसिजन का मुश्किल है ओनली इन दैट केस, और या फिर कोई पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है तो वो, वरना फिर जो अगर इंट्रामायोमीटरियल फाइब्रॉइड को अगर आपको निकालने की टेम्पटेशन हो कि ठीक है आप सर्जरी भी कर रहे हैं और इसको भी निकाल दें तो सम टाइम यू मे बी स्टक अप इन हेल ऑफ द सिचुएशन क्योंकि वहां पे फिर ब्लीडिंग इतनी होती है कि इसमें तो आम जब आप नॉन प्रेग्नेंट में भी निकालते हो तो उसी में जो है वो उसको फिर एज एन इलेक्टिव प्रोसीजर इफ द साइज परसिस्ट आफ्टरवर्ड एंड इज सिम्टोमेटिक, जो प्रेगनेंसी टर्म पे चली गई और फाइब्रॉइड ने उसको इफेक्ट नहीं किया और उसको अदरवाइज भी कोई मसला नहीं दे रहा तो वो अगर तो पेडंकुलेटेड है और उसके टॉर्शन के चांसेस हैं तो निकाल दो, वरना उसको छेड़ने की क्या जरूरत है ऐसी काम का तो फिर नहीं पंगा लेना चाहिए। ठीक है मैडम अब कोई और सवाल तो नहीं रह गया मेरा ख्याल है हमने कुछ ना कुछ टच कर लिया बाकी चीजों को भी। हाँ जी मैम ये टॉग आर्टिकल आया है कि फाइब्रॉइड इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ना तो उन्होंने इंडिकेशन ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन इंडिकेशन ऑफ मायोमेक्टमी ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन दी है कि कॉजिंग डिफिकल्टी विद क्लोजर ऑफ द यूट्राइन इंसिजन टू फैसिलिटेट सेफ डिलीवरी ऑफ द फीटस लार्ज फाइब्रॉइड ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर इन डायामीटर और विजिबल। लेकिन देखो ये वही बात है ना लोकेशन पे डिपेंड करेगा सब सिरोजल
पेडिकल जिसको क्लैम कर सकते हो उसमें करो। 6 सेंटीमीटर का बड़ा फाइब्रॉइड हो सकता है कि बाद में 3 सेंटीमीटर रह जाए आफ्टर द परपीरियम इज ओवर, ठीक है। तो इसलिए उसको हम नहीं छेड़ेंगे जो फाइब्रॉइड हमें डिलीवरी में या सेक्शन के क्लोजर में या उसमें रुकावट नहीं डाल रहा तो, और अगर फर्ज किया वो पिलंगुलेटी नहीं है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे, उन्होंने पता नहीं किस पर्सपेक्टिव में दी होगी, उसकी कोई ना कोई कंडीशंस होंगी, ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये श्रिंक कर जाते हैं पोस्टपार्टम पीरियड में, क्योंकि ये वही बात है ना कि उसमें बार दफा, और ये हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट का इतना बड़ा बड़ा फाइब्रॉइड होता है 10 या 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट साइज का रह जाता है 3 या 4 सेंटीमीटर का, तो वो 50% से भी ज्यादा भर जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन बाद में श्रिंक हो जाते हैं और वो उनको कुछ नहीं कह रहे होते। लेकिन अगर हम उनको अननेसेसरी ऐसा फाइब्रॉइड जिसने कभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, या अगर फर्ज किया थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे भी रहा हो लेकिन स्मॉल इन साइज है अदरवाइज, और उसको प्रेगनेंसी में भी उसने कोई मसला नहीं किया और हम उसको खाम खा छेड़ के बैठ रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर नतीजा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। स्टॉक में उन्होंने ये सारे रिस्पेक्टर बोले हैं जो आपने बयान किए हैं भी, और उन्होंने कहा है कि बहुत एक्सपर्टीज अवेलेबल हो, और अभी ये यूरोप में भी एन रिसर्च है अभी प्रॉपर्ली नहीं इसकी, क्योंकि इसको मेरा दिल ही नहीं मानता, या बल्कि हमने कभी किया भी नहीं है और ना ही कोई और कोई कर रहा होता है। मतलब जाहिर है आप बाकी सबके साथ इन टच होते हैं, तो कोई भी इस तरह से इंट्रामुरल फाइब्रॉइड को ऐसे ही खाम खा नहीं छेड़ता अनलेस के वो आपके इंसिजन साइट में आ जाए, और या फिर वो जो अभी ने भी बात की या पेडंकुलेटेड हो, बस यही दो हैं। और तो और उसमें भी कोई पेशेंट की एक में तो मजबूरन आपको निकालना पड़ा कि आपने यूट्रस को तो क्लोज करना है या उसको बच्चे को निकालना है, वो मजबूरी है, और दूसरा इसलिए कि उसमें कोई ऐसा लाइफ थ्रेट नहीं है पेशेंट को, और वो एक सिंपल है, बाद में हो सकता है टॉर्शन हो जाए और इमरजेंसी की सूरत में वो आ जाए, तो इसलिए आपने निकाल दिया, बस सिंपल एज दैट। और ये अभी हमने सर्जरी कर ली, इसके बाद हम इसके फिलोपियन ट्यूब्स के लिए एचएसजी या लैप्रोस्कोपी वगैरह करेंगे या कब करेंगे? एचएसजी कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए आप इसको अलाउ करोगे आफ्टर 6 मंथ्स। मैम आपसे दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैं वार्ड गई थी तो वहाँ एक पेशेंट थी 42 इयर्स ओल्ड, पैरा 3, लास्ट चाइल्ड उसका 5 इयर्स बॉर्न था। अब उसको 3 इयर्स से पहले एचएमबी थी जो कि साइक्लिकल थी, तो उसके लिए वो ट्रांसमिन एंड कॉन्स्टेंट पोर्ट ले रही थी, लेकिन अब 3 मंथ से कॉन्टिन्यूस ब्लीड थी उसकी। कॉन्टिन्यूस ब्लीड के लिए उन्होंने प्रोजेस्टेरोन पे डाला हुआ था 5 मिलीग्राम उसको टीडीएस में, फिर 10 मिलीग्राम भी लास्ट मंथ में दी थी। लेकिन पेशेंट की कंप्लेन ये थी कि मेरी एचएमबी स्पॉटिंग में जरूर कन्वर्ट हो गई है लेकिन स्टॉप नहीं की। अब पेशेंट को एडमिट किया था फॉर फर्दर वर्कअप, तो मैंने आपसे पूछना था उसके अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 mm थी, अगर उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी, फर्दर वर्कअप अभी लिखा नहीं हुआ था, अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी उसकी प्लान है चाहे हम आउटवेयर प्रोसीजर के थ्रू करें, पेशेंट 3 मंथ से कॉन्टिन्यूसली हार्मोन्स ले रही है, नंबर 1 अगर उसकी स्पॉटिंग में है तो क्या हम स्पॉटिंग के दौरान एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, और सेकेंडली क्या हम फॉरन हार्मोन के बाद? हां, एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर उसकी 8 mm है तो फिर स्पॉटिंग के दौरान में भी की जा सकती है, क्योंकि वो जाहिर है आपने मैक्सिमम डोज उसकी दे दी, क्योंकि देखो अगर उसने किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ रीजन बिहाइंड। अब जो हार्मोनल ले रही है और उसकी जो एंडोमेट्रियम के ऊपर हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा डिसिडुअल या सिक्रीटरी चेंजेस होती हैं अमूमन, और या फिर डिसऑर्डर्ड प्रोलिफरेशन या मिक्स्ड पिक्चर आ जाती है, इस तरह की चीज आ जाती है। लेकिन अगर कोई मेलिग्नेंसी है, अगर कोई हाइपरप्लेजिया है, तो वो तो हमें एक अलहदा से एंटिटी की सूरत में हमें पता चल जाएगा, तो वो ही वो चीज है जो हमने अब इस एज पे उसकी रूल आउट करनी है, because initially HMB and now ended up with the continuous vaginal bleeding, so endometrial pathology should be ruled out.
जी मैम, मेरा कंसर्न यही था कि अगर किसी अगर फर्ज के सारा कुछ ये ठीक आ जाता है इसका, और फिर भी उसकी एंडोमेट्रियम 8 मिलीमीटर है और फिर उसने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर आप उस दूसरी थेरेपी पे चले जाओ, एंडोमेट्रियल रिसेक्शन पे चले जाओ, इसको वो सारी चीजें हैं, या फिर हिस्टेक्टमी अगर वो करवाना चाहती है, 52 इयर्स है जब, तो करवा सकती है। 42 मैडम, 42 चलो ठीक है, 42। तो मैडम ट्रीटमेंट मोडालिटीज तो हम डिस्कस कर लेंगे, आई मीन कि अगर इस तरह से एक पेशेंट आपके हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड ना करे और स्टिल प्रोजेस्टेरोन पे अब उसको साइड इफेक्ट भी आ रहे थे, वो कहती है मेरा स्टमक इतना है कि मैंने ये दवाई नहीं खानी, ठीक है, तो फिर हम इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले देखो जब पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के फेलियर की तरफ आता है तो उसे पहला सवाल ये पूछा करो कि क्या वो ट्रीटमेंट रेगुलरली ले रही है। बार दफा ऐसा होता है कि पेशेंट थोड़ी देर के लिए ट्रीटमेंट लेता है, ठीक हो जाता है मरीज, तो वो छोड़ देता है और वो उससे भी ज्यादा जो है बुरे हालात हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो पेशेंट से हमेशा रेगुलरिटी ऑफ मेडिसिन इनटेक, उससे पूछो कौन सी दवाई कितनी दफा दिन में लेती है, कब कब लेती है, कभी स्किप तो नहीं होती, ये सारी चीजें उससे जरूर पूछो, ज्यादातर पेशेंट को ये पता ही नहीं होता। इसलिए सवाल सबसे पहले पूछना चाहिए उसको फिर ट्रीटमेंट लेबल करने से पहले। मैडम वो कंप्लायंस उसकी चेक की थी कि कहीं आपने साइड इफेक्ट की वजह से इरेगुलर यूज तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो इतनी तंग थी और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, तो मैंने पूरी कोशिश की कि गोलियों से मेरा मसला हल हो जाए, तो मैंने खाई है बकायदगी से। मैडम इसका मतलब ये कि अगर माइल्ड ब्लीड हो तो हम उसके दौरान एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, माइल्ड ब्लीडिंग है ना, माइल्ड ब्लीडिंग में तो आप ले सकते हैं, बल्कि उस दफा हमने बात की थी कि हैवी ब्लीडिंग हो तो उसमें जैसे हम एंडोमेट्रियल रिसेक्शन भी कर देते हैं, दैट इज अ वे ऑफ एंडोमेट्रियल रिसेक्शन, अगर आपके पास हिस्टेरोस्कोप अवेलेबल नहीं है तो डीएनसी से भी कर सकते हो, जिसको हमने थोड़ा प्रीटेस्ट का नाम दिया था, तो वो भी एक ऑप्शन है। देखो हमें बास चीजें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइन करनी पड़ती है, यानी हम उनको उस तरह से डेफिनेटली गाइडलाइन के मुताबिक नहीं चल सकते, हमारी पॉपुलेशन ऐसी है, तो उसमें फिर आप उसका एक सिंपलेस्ट वे ढूंढते हैं उसको करने का। एंडोमेट्रियम ही ब्लीड कर रही है ना, तो एंडोमेट्रियम को शेव ऑफ कर दो, प्रेफरेबली बाय एंडोमेट्रियल रिसेक्शन, नहीं अवेलेबल है तो फिर उसको थोरोक्यूरे टच कर दो, वो डायग्नोस्टिक भी हो जाएगा और थेरेप्यूटिक भी हो जाएगा। मैं ये पूछने वाली थी कि मैडम इसमें कोई लोकल कॉज हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे? लोकल कॉज बिल्कुल हो सकती है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो इस वजह से जो है वो इसको वो की जा सकती है, ये सारी चीजें, ठीक है। मैडम एक दूसरा केस है जी, जस्ट मेरे पास जल्दी जल्दी क्योंकि आज हम काफी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरे 28 इयर्स ओल्ड पेशेंट है, नेली पैलेस है, लास्ट की उसके 3 रिकरेंस है, ना तंग करो मुझे, मैं पर खाओगी जो मायोक्टमी भी हुई हुई है पेशेंट। बेटा दोबारा बताएं, मैं शोर बीच में काफी था। 28 इयर्स है मैडम, नली पैरस है विद 3 रिकरेंट मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस की डिटेल नहीं है कि वो किस किस गेस्टेशन पे थे और व्हाट पास आउटकम। ठीक है, ठीक है। पेशेंट की 1.5 इयर्स बैक मायोमेक्टमी हुई है। अब पेशेंट को इररेगुलर ब्लीड है फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स। एग्जामिनेशन पर 16 वीक का फर्म साइज यूट्रस है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर 11 सेंटीमीटर का पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है। मैडम इसकी फर्दर उन्होंने मैनेजमेंट पूछी थी। जाहिर है इसमें तो देखो आप मायोमेक्टमी करोगे क्योंकि सिम्टोमेटिक है, एक तो मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी है और उसके अलावा 3 इसके रिकरेंट एबॉर्शंस भी हैं, तो ये तो केस है। मैडम मैंने मैडम को जब जवाब दिया था तो मैंने उनसे पूछा था कि मैडम मुझे प्रीवियस मायोमेक्टमी की डिटेल चाहिए, क्या पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कर सकते हैं? देखो डिपेंड करता है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियल कैविटी की एनक्रोचमेंट कितनी है। पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड भी तो एंडोमेट्रियम को एनक्रोच कर सकता है। यही मैंने आपसे पूछा था कि मुझे कमिंग फाइब्रॉइड का एचएसटी चाहिए, क्या ये ट्यूबल ब्लॉकेज कर रहा है या ये यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है? तो वो दोनों नहीं ब्लॉकेज कैसे करेगा बेटा, वो 3 दफा प्रेग्नेंट हो गई है तो ट्यूबल ब्लॉकेज इसका, इसमें सब का इशू नहीं है, इसमें बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का इशू है क्योंकि डीप रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेज है। मसला उसकी प्रेगनेंसी के ना सस्टेन होने का है, प्रेगनेंट होने का नहीं है, तो इसमें इनफर्टिलिटी से ज्यादा आपने जो बैड ऑब्स्टेट्रिक आउटकम है उसमें उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन definitely fibroid is responsible for that, क्योंकि उसके साथ उसको irregular bleeding भी है। मैडम एक लास्ट चीज और बता देंगे, fibroids HM भी करते हैं या irregular bleed, क्योंकि last time तो हमने discuss किया था कि irregularity means कि ovarian pathology के साथ है। नहीं वो देखो वो आपने उसको सही तरह सुना नहीं है, जो cycle disturbance होती है वो ज्यादा ovarian pathology से होती है, जो amount of blood loss है या
उसका जो ड्यूरेशन ऑफ ब्लड फ्लो है यानी वो बजाय हफ्ते के 15-15 दिन ब्लीड करता है वो ज्यादातर ताल्लुक उसका यूटाइन पैथोलॉजी के साथ होता है। सो फाइब्रॉइड ज्यादातर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करता है या प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करता है या बार दफा कंटीन्यूअस कर रहा होता है। जहां पे रेगुलरली साइकिल शॉर्टन हो जाए या लंबा हो जाए वो ओवेरियन पैथोलॉजी होती है मेनली। ठीक मैम, ठीक है, चलो मेरा ख्याल है अब हम यहाँ पे स्टॉप करें। मेरा ख्याल है सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो ही गई हैं। अगर पेशेंट आती है और वो न्यूली मैरिड है और वो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड है उसका और वो इस क्राइटेरिया में लैंड करती है कि हम उसको मेडिकली ट्रीट कर सकें ओसीपीज पे छोड़ ला सकें लेकिन उसका कंसर्न फर्टिलिटी यानी कि अभी वो कंसीव करना चाह रही है तो मैडम फिर उसकी इस पेशेंट को अगर अगर उसका कंसर्न है अगर वो फिर उस पे वो फिर आप देखो कि फाइब्रॉइड की साइज और लोकेशन क्या है फिर उस पे डिसाइड करो। देखो वैसे तो हम पेशेंट को अलाउ करते हैं अगर सिम्टोमेटिक ना हो तो फिर तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते हैं फिर हम उसको कुछ नहीं करते। लेकिन अगर फर्ज किया उसका वो है साइज जो है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड मोर देन 5 सेंटीमीटर या सब एंडोमेट्रियल 0-1-2 वाला मोर देन उसको 1.5 सेंटीमीटर का जो मैंने बात की थी या 3 सेंटीमीटर तक है तो फिर प्रॉबेबली शी विल फेस द इफेक्ट्स प्रॉबेबली लेकिन 100% तो फिर भी नहीं है। अलबत्ता अगर पॉलिप है बड़ा और पॉलिप जहां तक एंडोमेट्रियल पॉलिप की बात है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज जो है वो बार दफा इम्प्लांटेशन के साथ मसला कर देते हैं तो इसलिए वो एक वजह बन सकती है। लेकिन उसमें ज्यादा बेहतर सिनेरियो यही है कि उसको बता जरूर दो कि ये इतने परसेंट चांसेस हैं ये वाला फाइब्रॉइड यहाँ पे है इतना बड़ा साइज है तो इसमें ये चांसेस हैं। But it is better for you to try for spontaneous conception for some time. और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसको देख सकते हैं। Hello. Member, एक सवाल का जवाब। हाँ जी मैडम को जाने दो बस मुझे जरा अभी 10 मिनट तक फोन करें 10 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 बताइए आप मुझे 10 मिनट तक फोन करें। जी जी हाँ सिर्फ एक सवाल बता दीजिए। जी 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 मैडम अगर प्रोलैप्स का पेशेंट है हम उसमें एंडोमेट्रियल प्रोलैप्स कहाँ से आ गया अब फाइब्रॉइड में प्रोलैप्स प्रोलैप्स को लेदर से हम डिस्कस कर लेंगे मैडम फिर वो नहीं होता ना प्लीज। अच्छा चलो बताओ क्या है कि अगर प्रोलैप्स का पेशेंट है उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस हम कैसे मांगेंगे। नहीं एंडोमेट्रियल थिकनेस आपने क्यों मांगनी है। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर जो मेजर की जा सकती है अगर यूट्रस बिल्कुल ही बाहर है तो उसी के ऊपर प्रोब रख के देखा नहीं जा सकता क्या। लेकिन मेरा मतलब है कि उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस की जरूरत क्यों पड़ गई। अब डिपेंड करता है ना कि पेशेंट की एज क्या है उसका एज क्या है और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है और उसकी जो प्रोलैप्स है वो कितने डिग्री का है और आप क्या सर्जरी प्लान कर रहे हो और एंडोमेट्रियल थिकनेस जानने की जरूरत क्यों है। तो ये एक बड़ा वेक सा क्वेश्चन है। एंडोमेट्रियल थिकनेस तो जाहिर है देखो हमने करनी ही अल्ट्रासाउंड पे मेजर होती है वो हम अपनी आंखों से या उसको पल्पेट करके तो नहीं मेजर कर सकते ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो तो हमने अल्ट्रासाउंड पे करनी है और अल्ट्रासाउंड पे ये भी अगर फर्ज किया बाहर से उसको मेजर क्योंकि ये एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन में पूरी की पूरी वॉल थिकनेस होती है अगर वैसे करनी पॉसिबल ना हो तो रिड्यूस द फाइब्रॉइड रिड्यूस द यूट्रस इनसाइड एंड देन मेजर इट। सही हो सकती है वो तो कोई मसला नहीं है। ठीक थैंक यू मैडम। चलो ठीक है अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है ये बता दीजिए। मैडम एक बात बता दें आपने कहा कि अगर लेस देन 10 फाइब्रॉइड्स हो तो आप उसे रिमूव कर दें फर्टिलिटी क्या चीज। मैम आपने एक बात बताई थी कि मल्टीपल फाइब्रॉइड हो हां जी अगर आपके पास 10 से कम फाइब्रॉइड हो आप उन्हें रिमूव कर दें फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी अगर मोर देन 10 हो तो कोई फायदा नहीं। देखो बार दफा एक कंडीशन होती है फाइब्रोमेटोसिस अगर कभी आप लोगों ने कभी देखा फाइब्रोमेटोसिस ये होता है कि जिसमें बार दफा एक इंच भी खाली नहीं होती यूट्रस की जहां पे फाइब्रॉइड ना हो उससे फाइब्रॉइड की मायोमेक्टमी करने का बेसिकली फायदा ही कुछ नहीं होता बस जो ज्यादा बड़ा फाइब्रॉइड है उसको निकाल दो लीव द रेस्ट क्योंकि उसमें फिर आपके पास हाथ कुछ नहीं आते अगर आप एक एक फाइब्रॉइड निकालने बैठ जाओगे तो पीछे तो यूट्रस बचेगी ही नहीं। तो अमूमन जो 10 से ज्यादा फाइब्रॉइड होते हैं उसके उसमें फिर यूट्रस में आप इतने को मल्टीपल इंसिजन दे देते हो और उसमें इतना को मायोमेट्रियल टिश्यू और वो डैमेज हो जाता है कि उसमें जो प्रेगनेंसी आउटकम है वो बहुत काफी पुअर हो जाता है।
और मैडम ये बता दें आपने भी सीजन बताई थी मैडम जी. हेलो मैडम नेक्स्ट वीक का टॉपिक मुझे सर्वाइकल का फाइब्रॉइड है इंटीरियर है पोस्टल पास क्या चीज उसकी भी हम जो है ना ट्रैवल मैडम सीजन की बात बता दें कि सीजन अगर पोस्टल फाइब्रॉइड हो उस केस में भी हमने वर्टिकल देनी है सर्वाइकल हो भी वर्टिकल देनी है और अगर फंडस हो तो उसमें हम ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों दे सकते हैं. ऐसा ही कहा दोनों दे सकते हैं अगर प्रोवाइडेड. देखो अब डिपेंड करता है साइज ऑफ द फाइब्रॉइड पे भी. अगर छोटे साइज का फाइब्रॉइड है और उसमें आपको लगता है कि अगर हमने इंसिजन जरा बढ़ा दिया. अब छोटे छोटे साइज का भी फाइब्रॉइड जो है उसका भी एक साइज होता है बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का तो वो तो उसके साथ वो करता है. मतलब उसमें इंसिजन इतना एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं होते. लेकिन ऐसा फाइब्रॉइड जिसमें इंसिजन जो है वो आपका एक्सटेंड हो जाए दाएं बाएं तो उसमें जरा मुश्किल होती है. लेकिन फंडल फाइब्रॉइड पे ट्रांसवर्स इंसिजन इसलिए बेहतर होता है कि आप बोनी स्प्लैब बना सकते हो आसानी से बिकॉज द फंडस इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस वो सबसे ब्रॉड पार्ट होता है तो वहां पे ये चीज एप्लीकेबल है. नीचे आके अगर आप ट्रांसवर्स दोगे तो उसमें फिर दाएं बाएं यूट्राइन आर्टरीज में जाने के चांसेस होते हैं. ठीक है तो मुझे ये बताओ नेक्स्ट टाइम आपकी अब क्लास क्या होनी है. अगले क्लास का आपका टॉपिक क्या है जी. मैडम इनफर्टिलिटी डिस्कस कर ले ना. इनफर्टिलिटी का हर एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं अगर सारे मुत्तफिक हैं तो. हाँ आप पहले सारे डिसाइड कर लो कि क्या करना है. ठीक है मैडम इनफर्टिलिटी ठीक है. और मैडम उसके बाद यू भी प्रोलैप्स करा दीजिएगा. इनफर्टिलिटी तो मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छी जो है वो डॉक्टर यूसुफ के साथ डिस्कस कर सकते हो. मैम वो मल्टीपल टाइम हो भी चुकी है. अच्छा अच्छा तो फिर जब मल्टीपल टाइम होगी तो फिर दोबारा क्यों करना चाह रहे. अच्छा ये जो क्या उसमें यूवी प्रोलैप्स की बात कर रहे हो. उनके साथ मैडम उनके साथ यूवी प्रोलैप्स के साथ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ओवरएक्टिव ब्लैडर. अच्छा वो यूरोडायनामिक्स तो बजाते खुद एक अलग से टॉपिक है मैडम. जी मैडम फिर मैडम ये करवा देंगे ज्यादा मुश्किल. ठीक है फिर अगली दफा हम एक वाला कर लेंगे फिर. ठीक है मैम कुछ मिनट जो है ना वो अनश्योर ऑफ डेट्स के लिए भी प्लीज वो बहुत मुश्किल लगता है. अच्छा चलो ठीक है अनश्योर ऑफ डेट्स भी कर लेंगे. ठीक है थैंक यू. चलो ठीक ओके. Thank you, madam. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am, so much. Thank you.